हाय दोस्तों चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बताएँगे अलावई कंथापुरू मूवी की हिंदी रिलीज डेट के बारे में साथ ही साथ इस फिल्म को कौन कौन से भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया गया है ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे साथ ही साथ अलावई कंथापुरू से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी हम आपको बताएंगे और इसके बजट से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की पूरी जानकारी आज हमारे इसी वीडियो में आपको दी जाएगी साथ ही साथ इस फिल्म को आप कहां पर देख सकते हो और इस फिल्म टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी ये पूरी जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में आपको बताई जाएगी तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को

जयराम सुशांत और निवेथा पेथुराज के साथ अल्लू अर्जुन और पूजा हेगडे मैम है वहीं समू थिरकानी मुरली शर्मा नवदीप सुनील सचिन खंडेकर हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे ये फिल्म अब तक की गैर बाहुबली यानी एक और दो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म यानी केवल तेलुगु संस्करण में बनाई गई है इसने 2020 में एक करोड़ की हिस्सेदारी के साथ दुनिया भर में लगभग दो करोड़ की कमाई की वहीं भारत में इस फिल्म के लिए बिकने वाले टिकटों की अनुमानित संख्या लगभग करोड़ है वहीं अपने करियर में पहली बार अल्लू अर्जुन ने अपनी और वहीं अपनी पिछली नायिका के साथ पूर्व भूमिका के लिए काम किया और पहले उन्होंने यव्दू में काजल को दोहराया जहाँ उन्होंने दो फिल्म रुद्रा और यहाँ तक कि रुद्रा मादेवी और सराय के लिए एक और कैथरीन ट्रेसा की भूमिका भी निभाई वहीं इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण दो साल बाद 2022 में जारी किया गया था जी हां दोस्तों इसी साल में इस फिल्म का डब संस्करण भी जारी किया गया था साथ ही साथ अल्लाह भाई कंथा पुरुमुलू के बारे में बताएं तो ये और भी त्रिविक्रम श्रीनिवास अरविंदा समिथा वीरा राघवन की रिलीज के बाद अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन कर रहे थे वहीं पटकथा सुनने के बाद ये बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह भी दी 21 दिसंबर 2018 को नए साल की पूर्व संध्या के साथ परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई थी और इस प्रकार जुलाई और पुत्र सत्यमूर्ति के बाद त्रिविक्रम और अर्जुन के तीसरे सहयोगी को चिह्नित किया गया था वहीं आगे ये भी बताया गया कि अर्जुन के पिता अल्लु अरविंद एस राधाकृष्ण की हरिका और हासेन क्रिएशंस के साथ अपने स्वह के बिना गीत और वहीं गिटार्स के तहत फिल्म का सह निर्माण करेंगे वहीं फिल्म को अस्थाई शीर्षक #AA19 के तहत लॉन्च किया गया था जिसका शीर्षक अला वैकुंठपुरमुलु शीर्षक से पहले 15 अगस्त 2019 को सामने आया था वहीं अक्टूबर 2018 के मध्य में रिपोर्टें सामने आई कि कियारा आडवाणी अल्ल अर्जुन के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी जनवरी 2019 में सुनील को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना भी मिली फरवरी 2019 में पूजा हेगड़े को महिला प्रधान के रूप में आडवाणी की जगह लेने की सूचना मिली थी इस प्रकार डीजे के बाद दूसरी बार अर्जुन और त्रिविक्रम दोनों के साथ उनके सहयोग को चिन्हित किया गया था और यहाँ तक कि दुआदा जगन्नाथम और अरविंदा सीता और यहाँ तक कि अरविंदा समिता वीरा राघवन अनुभवी अभिनेत्री नगमा को फिल्म में अल्लू अर्जुन की माँ की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी हालांकि उन्हें इस भूमिका के लिए सम्प संपर्क नहीं किया गया था अरविंदा समिता वीरा राघवन की सफलता के बाद त्रिविक्रम ने एस थमन को दूसरी बार फिल्म के संगीतकार के रूप में नियुक्त किया था मार्च 2019 में यह बताया गया कि पांडु रंगडू के बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी को चिह्नित करते हुए तब्बू को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था वहीं नाना पाटेकर को प्रतिपक्षी भूमिका निभाने की सूचना भी मिली थी आठ अप्रैल दो को आलू अर्जुन के जन्मदिन के अवसर पर, पर मुख्य कार्य और वहीं मुख्य कलाकारों और चालक दल की घोषणा भी की गई थी। फिल्म में वाल्मीकि वाल ने उसे एक शिशु के रूप में बदल और वहीं बदल दिया था और उसके जैविक पिता एक समृद्ध व्यवसाय रामचंद्र है वही बंटू अपने जैविक परि और जैविक परिवार की रक्षा के लिए रामचंद्र के घर वैकंठपुरु में प्रवेश करता है और जब उसे एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा धमकी दी जाती है शिशुओं की अदला बदली का विचार पहले देवान्तम राघवैया की एंटी गुट्टू में किया गया था जिसमें एंटी राव और सावित्री ने अभिनय किया था फिल्म का निर्माण अप्रैल दो में शुरू हुई और दिसंबर दो में पूरा हुआ वहीं इसे पूरे हैदराबाद में फिल्म आया गया था जिसमें गाने और वहीं गाने विदेशों में शूट किए

मूल रूप से फिल्म में एस थमन द्वारा रचित था और रचित साउंड ट्रैक भी है जबकि छायांकन और संपादन क्रमश पी विनोद और नवीन नूली द्वारा नियंत्रित किया गया था वहीं 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था आलोचकों ने अल्लू आलो अर्जुन और मुरली शर्मा के प्रदर्शन कहानी त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत और फिल्म के स्कोर की प्रशंसा करते हुए सकारात्मक समीक्षाओं के साथ फिल्म को खोला था वहीं ये फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही और दो करोड़ से लेकर 280 करोड़ से अधिक की कमाई के साथ ये सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक के रूप में समाप्त हुई और सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों तो के तो रूप में समाप्त हुई थी वहीं 2020 में ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई जिसने रिलीज होने पर तीन मिलियन डॉलर से अधिक का संग्रह किया था। जिससे यह दुनिया भर में दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई थी और फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु सहित 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवी पुरस्कार भी जीता था यहाँ तक कि मई 2019 में केतिका शर्मा को दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाने की सूचना भी मिली थी हालांकि निवेथा पेथुराज को इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था रोमांटिक में दो और वहीं दो में शर्मा की प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म के कलाकारों में जयराम और सुशांत प्रभु भूमिका और प्रमुख भूमिकाओं में थे वहीं काजल अग्रवाल को एक आइटम नंबर में प्रदर्शित होने की सूचना मिली थी लेकिन हालांकि निर्माताओं द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी तमिल निर्देशक और अभिनेता समूर्थी कानी को एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था जिसने उनकी पहली तेलुगु फिल्म को चिन्हित किया था वहीं फिल्म का लॉन्च इवेंट वैलेंटाइन डे के अवसर पर आयोजित होने का अनुमान लगाया गया था तेरह अप्रैल दो को फिल्म का लॉन्च फिल्म के प्रोडक्शन हाउस गीता आर्ट्स के कार्यालय में आयोजित किया गया था जिसमें फिल्म की टीम ने एक पूजा समारोह में भी भाग लिया था वही फिल्म की मुख्य शूटिंग 24 अप्रैल को हुई थी अप्रैल के मध्य में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद टीम ने मौसम की स्थिति का हवाला देते हुए एक ब्रेक लिया और साथ ही अल्लू अर्जुन और उनका परिवार स्विट्जरलैंड में एक छोटी छुट्टी के लिए चले गए थे निर्माताओं ने 24 और चौबीस मई 2019 को फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की और पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद निर्माताओं ने पाँच जून दो को हैदराबाद में दूसरा शेड्यूल शुरू किया था पूजा है सेट में शामिल हुए थे वहीं 14 जून को एक कारपोरेट कर्मचारी के रूप में अल्लू अर्जुन की एक लीक पोस्ट और लीक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी इस कार्यक्रम के दौरान फिल्म ने और साथ साथ ही और सुशांत को महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जोड़ा था अक्टूबर के मध्य में टीम समाज गाने के वही गाने को फिल्माने के लिए फ्रांस चली गई थी गीत के कुछ हिस्सों को फ्रांस में नारमडी में मोन्ट सेंट मिशेल और पेरिसर में टावर में शूट किया गया था गीत को विश्व प्रसिद्ध थिएटर डी और, और निर्माताओं ने पाँच करोड़ तक खर्च किए थे वहीं टीम ने ओ ए मजीडी डैडी गीत को भी शूट किया जिससे यूरोप के कुछ हिस्सों में फिल्म आया गया था वहीं बाद में दिसंबर दो में निर्माता बुट्टा बुमा गाने की शूटिंग के लिए हैदराबाद चले गए थे जिसके लिए हैदराबाद के अन्ना स्टूडियो में एक विशाल सेट बनाया गया था और फिल्म की शूटिंग 28 दिसंबर 2019 को पूरी की गई थी यहां तक कि फिल्म के शूटिंग में कई सारी देरों का सामना करना पड़ा था एस खमन ने अल्लू अर्जुन के साथ अपने तीसरे सहयोग में रेस गुर्रम और सराय नूडू के बाद अरविंद समिता वीरा राघवन के बाद त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ दूसरा सहयोग में फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर की रचना की थी इस एल्बम में ट्रैक हैं जिसमें जिसमें और और साथ सास्त्री और साथ 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 ही ही श्री वेलेना सीताराम शास्त्री कसारला श्याम कृष्ण चैतन्य राम जोगैया शास्त्री कल्याण चक्रवर्ती और विजय कुमार भल्ला द्वारा लिखे गए गीत है जिसमें चार ट्रैक एकल के रूप में जारी किए गए थे और रिलीज होने पर वायरल हो गए वही साउंड ट्रैक एल्बम 6 जनवरी दो बीस को जारी किया गया था और गाने थमन और उनके संगीत दल द्वारा उसी दिन हैदराबाद में यूसुफ और साथ ही साथ यूसुफ गुडा पुलिस ग्राउंड में आयोजित ए म्यूजिकल कॉन्सर्ट में प्रस्तुत किया गया था यहां तक कि साउंड ट्रैक एल्बम और साउंड ट्रैक एल्बम का मलयालम संस्करण 10 जनवरी 2020 को जारी किया गया था ये यूट्यूब पर एक बिलियन से अधिक बार देखे जाने वाले पहला भारतीय फीचर फिल्म साउंड ट्रैक बन गया और गीत बुट्टा बोमा जनवरी दो तक पाँच मिलियन से अधिक बार देखे जाने के साथ यूट्यूब पर सबसे अधिक देखा जाने वाला तेलुगु फिल्म भी बन गया था यूट्यूब के शीर्ष दस भारतीय संगीत वीडियो में बुट्टा और मारूलू मारुला दोनों ही एकमात्र दक्षिण भारतीय गीत बन गए जिन्हें दो में सूचीबद्ध किया गया था यहाँ तक कि इसके कास्टिंग को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं भी हुई थी और फिल्म के लिए इसकी कहानी की आलोचना भी की गई थी दर्शकों द्वारा फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी दिया गया वहीं 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निर्माताओं ने फिल्म की पहली झलक का अनावरण किया था और इसके शीर्षक को अला के रूप में प्रकट किया वही फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर गणेश चतुर्थी एक सितंबर दो की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था इसमें अल्लू अर्जुन को एक व्यापारी के रूप में धूल भरे स्टूल पर बैठे हुए दिखाया गया था और एक सुरक्षा गार्ड अपने सिगार को जलता और जलाता हुआ दिखाया गया था वहीं दशहरा के अवसर पर निर्माताओं ने 7 अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का अनावरण किया और जिसमें अर्जुन को एक एक्शन अवतार में दिखाया गया था वहीं निर्माताओं ने पूजा हेगडे के जन्मदिन 13 अक्टूबर 2019 पर एक विशेष पोस्टर का खुलासा किया और फिल्म से सुशांत का पहला लुक और वहीं इक्कीस अक्टूबर को जारी किया गया था तब्बू का पहला लुक उनके जन्मदिन चार नवम्बर दो को और 19 के अवसर पर जारी किया गया था साथ नवम्बर को त्रिविक्रम के जन्मदिन पर निर्माताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म के मलयालम डब संस्करण और यहां तक कि टू का पहला लिख जारी किया गया था और दिसंबर दो हजार उन्नीस को फिल्म के आधिकारिक टीजर का अनावरण किया गया था छह जनवरी दो हजार बीस को निर्माताओं ने हैदराबाद के यूसुफ गुड़ा पुलिस ग्राउंड में एक विशाल प्रचार कार्यक्रम की योजना बनाई जिसे वीपीएल म्यूजिकल कॉन्सर्ट के नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है और इस योजना के लिए 42 फीट ऊंचा और 162 फीट एक और वहीं 162 फीट का एक मंच तैयार किया गया था जहां निर्माताओं ने फिल्म के ऑडियो एल्बम और नाटकीय ट्रेलर का और यहां तक कि अनावरण किया और इस कार्यक्रम को फिल्म प्रेमियों और दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी यहाँ तक की फिल्म के लिए और साथ ही साथ दर्शकों द्वारा पसंद की गई इसकी कई सारे भूमिकाओं को भी एक साथ जोड़ा गया था और फिल्म की इसकी कहानी की आलोचना भी की गई थी यहाँ तक कि फिल्म के लिए निर्माता राधा कृष्ण ने 10 जुलाई 2019 को सोशल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा की क्योंकि फिल्म संक्रांति के अवसर और अवसर पर रिलीज थी और बारह अक्टूबर दो को निर्माता ने घोषणा की कि फिल्म 12 जनवरी 2020 को रिलीज होगी जो संक्रांति पर पड़ती है वहीं दिसंबर 2019 के मध्य में यह अफवाह भी थी कि फिल्म निर्धारित तिथि से पहले 10 जनवरी को रिलीज थी वहीं 4 जनवरी 2020 को सक्रिय तेलुगु और सक्रिय तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल ने रिलीज की तारीख के बारे में अफवाहों को खारिज कर दिया और बताया गया कि फिल्म निर्धारित तिथि पर रिलीज होगी और फिल्म का प्रीमियर आई मैन सिनेमैक्स लेवर्नर में किया गया था जो दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा थिएटरों में से एक है और भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले इसे इस संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 जनवरी 2020 को जारी किया गया था यहाँ तक कि फिल्म को इसके मलयालम डब संस्करण के साथ रिलीज किया गया था जिसका शीर्षक अंगु वैकंथापुरु भी रखा गया था जबकि तमिल डब संस्करण वैकंथापुरम को 2020 में रिलीज किया गया था हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रसार 13 फरवरी 2022 को टेलीविजन पर किया गया था वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों में फिल्म के नाट्य अधिकार पचहत्तर करोड़ में बेचे गए थे जिसमें निजाम के अधिकार बीस करोड़ बारह करोड़ में दिए गए थे वहीं फिल्म के लिए साढ़े आठ करोड़ उत्तराखंड प्रदेश में और साढ़े करोड़ कृष्णा अधिकार पाँच करोड़ पूर्व और पश्चिम गोदावरी क्षेत्रों में क्रमशः साढ़े छह करोड़ और पाँच करोड़ के अधिकार थे वहीं फिल्म के लिए साढ़े दो करोड़ के नल्डोर अधिकार कर्नाटक के नाट्य अधिकार साढ़े सात करोड़ में बेचे गए थे शेष भारत के नाट्य अधिकार साढ़े एक करोड़ और विदेशी अधिकार साढ़े नौ करोड़ में बेचे गए थे फिल्म ने अपने विश्वव्यापी नाट्य अधिकारों में पैता और यहाँ तक कि नाट्य अधिकारों में पचासी और पचासी करोड़ खर्च किए गए थे जिसमें चार करोड़ और तेईस करोड़ के प्रसारण अधिकार भी थे वही 19 करोड़ करोड़ के लिए हिंदी डबिंग अधिकार और के यहाँ तक कि अन्य अधिकार भी शामिल थे और साढ़े दो करोड़ फिल्म की रिलीज से पहले कुल एक करोड़ तक कई सारे विक्रेता को और साथ ही साथ दर्शकों के साथ अनुकूल अन्य कलाकारों की एक संक्षिप्त भूमिका को पेश किया गया था जो कि मूल रूप से दिखाए गए और फिल्म के लिए मूल कहानी पर इसे केंद्रीय विषयों के साथ भी जोड़ा गया था बात करें इस फिल्म को आप कहां पर देख सकते हो दोस्तों तो कुछ महीने पहले ही इस फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए दोस्तों उसी दिन कई सारे लोगों ने इस फिल्म को तो पूरा देख लिया लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिंक में भी जाकर देख सकते हो क्योंकि हमने इस फिल्म के लिए और वहीं इस फिल्म को दिया हुआ है साथ ही साथ आप चाहे तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर भी सर्च करके फुल एच डी में देख सकते हो अब आगे बढ़े तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार के बारे में बात करें तो फिल्म का डिजिटल प्रीमियर सन सताइस फरवरी दो हजार बीस को हुआ था इसके नाटकीय प्रदर्शन के उन् पचास दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने नेटफ्लिक्स के माध्यम से अंग्रेजी उप शीर्षक के साथ फिल्म को रिलीज किया था मलयालम डब संस्करण के साथ अंगोव वैकंथा और यहां तक कि वैकंथा पूरा थ को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से रिलीज किया गया और फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ था वहीं वैकंथा पुरम शीर्षक वाले तमिल डब संस्करण का सन सं टीवी पर प्रीमियर किया गया था यहाँ तक कि फिल्म ने पहले दिन और पहले दिन दुनिया भर में पचासी करोड़ की कमाई की वहीं पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने घरेलू स्तर पर सौ करोड़ की कमाई की और 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर दो मिलियन की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म भी बनी यह अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम श्रीनिवास दोनों के लिए पहली दो करोड़ कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी थी बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने घरेलू पर 200 करोड़ की कमाई की और यह दक्षिण भारत की छठी फिल्म बन गई और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वाली पहली फिल्म बिना हिंदी संस्करण थी अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 150 करोड़ से अधिक की कमाई की और यह बाहुबली श्रृंखला के बाद ऐसा करने वाली तीसरी फिल्म भी है और अपने नाटकीय प्रदर्शन के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर में दो करोड़ की कमाई करने में कामयाबी हासिल की जो सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई वही फिल्म ने वितरकों को अर्जित किया और एक करोड़ का हिस्सा बॉक्स बॉक्स ऑफिस ऑफिस ट्रैकिंग पोर्टल के अनुसार फिल्म 2020 की तिरपन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी थी साथ ही साथ फिल्म को दर्शकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दिया गया था और फिल्म के इसकी कई सारे अन्य कल और दर्शकों द्वारा दिखाए गए इसकी कई सारे सफल भूमिकाओं को भी एक साथ जोड़ा गया था और यहाँ तक कि फिल्म को भी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के साथ दिखाया गया था मूल रूप से बात करें फिल्म के बारे में तो फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के एक तमिल रीमेक की पुष्टि होने की सूचना मिली वहीं शिव कार्तिक ने फिल्म से अर्जुन की भूमिका को फिर से लिया इसके अलावा रीमेक अधिकार प्राप्त करने के अलावा लेकिन रीमेक की योजनाएं तमिल में और तमिल के पक्ष में छोड़ दी गई थी डब शीर्षक वैकंठपुरु उसी महीने कार्तिक आर्यन और कृति सनोन को सहजादा

की और गीत भुट्टा बुम्मा को अलू अर्जुन के डांस प्रदर्शन के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें की की। अपनी पत्नी गैडिस वार्नर के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुए नंबर हुक स्टेप करने के लिए टिकटॉक का सराहा और वहीं टिकटॉक का सहारा भी लिया और ये गीत तेलुगु फिल्म उद्योग के सबसे वायरल गीतों में दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अलावा कंथापुरू मूवी की हिंदी रिलीज डेट के बारे में साथ ही साथ इस फिल्म को कौन कौन से भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया गया है ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे साथ ही साथ अलावई कंथा पूर्व मुलू से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी हम आपको बताएंगे और इसके बजट से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की पूरी जानकारी आज के हमारे इसी वीडियो में आपको दी जाएगी साथ ही साथ इस फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हो और इस फिल्म को यूट्यूब पर कौन से चैनल पर अपलोड किया जाएगा आज के हमारे इस वीडियो में इसे भी बताया जाएगा साथ ही साथ आपको ये फिल्म कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी ये पूरी जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में आपको बताई जाएगी तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं करते हैं अला वैकंथापुर जिसे प्रारंभिक ए भी कहा जाता है दोस्तों ये 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यहां तक कि लिखित और निर्देशित त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा और अल्लू अरविंद द्वारा एस राधा कृष्णा द्वारा क्रमशः गीता आर्ट्स और हारिका और हसीन क्रिएशंस के बैनर तले निर्मित भी किया गया है इस फिल्म में ताबू जयराम सुशांत और निवेथा पेथुराज के साथ अल्लो अर्जुन और पूजा हेगडे मैम है वहीं समु थिरकानी मुरली शर्मा नवदीप सुनील सचिन खंडेकर हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे ये फिल्म अब तक की गैर बाहुबली यानी एक और दो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म यानी केवल तेलुगु संस्करण में बनाई गई है इसने दो हजार बीस में एक करोड़ की हिस्सेदारी के साथ दुनिया भर में लगभग दो करोड़ की कमाई की वहीं भारत में इस फिल्म के लिए बिकने वाले टिकटों की अनुमानित संख्या लगभग साढ़े एक करोड़ है वहीं अपने करियर में पहली बार अल्लू अर्जुन ने अपने और वहीं अपनी पिछली नायिका के साथ पूर्व भूमिका के लिए काम किया और पहले उन्होंने यवदू में काजल को दोहराया जहां उन्होंने दो फिल्म रुद्रा और यहाँ तक कि रुद्रा मादेवी और सरायनड़ू के लिए एक कैमियो और कैथरीन ट्रेसा की भूमिका भी निभाई वहीं इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण दो साल बाद 2022 में जारी किया गया था जी हां दोस्तों इसी साल में इस फिल्म का डब संस्करण भी जारी किया गया था साथ ही साथ अल्लाह भाई कंथा पुरुमुलु के बारे में बताएं तो ये और भी त्रिविक्रम श्रीनिवास अरविंदा समिथा वीरा राघवन की रिलीज के बाद अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन कर रहे थे वहीं पटकथा सुनने के बाद ये बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह भी दी 21 20 दिसंबर 2018 को नए साल की पूर्व संध्या के साथ परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई थी और इस प्रकार और पुत्र सत्यमूर्ति के बाद त्रिविक्रम और अर्जुन के तीसरे सहयोग को चिन्हित किया गया था वहीं आगे ये भी बताया गया कि अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एस राधा कृष्ण की हरिका और हासीन क्रिएशंस के साथ अपने स्वयं के बैनर गीत और वही के तहत फिल्म का सह निर्माण करेंगे वहीं फिल्म को अस्थायी शीर्षक हैश टैग के तहत लॉन्च किया गया था जिसका शीर्षक अला वैकंथा पुरुमुलु शीर्षक से पहले 15 अगस्त 2019 को सामने आया था वहीं अक्टूबर 2018 के मध्य में रिपोर्टें सामने आई कि कियारा आडवाणी अल्लू अर्जुन के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी जनवरी दो में सुनील को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना भी मिली फरवरी 2019 में पूजा हेगड़े को महिला प्रधान के रूप में आडवाणी की जगह लेने की सूचना मिली थी इस प्रकार डीजे के बाद दूसरी बार अर्जुन और त्रिविक्रम दोनों के साथ उनके सहयोग को चिन्हित किया गया था और यहाँ तक कि दुआदा जगन्नाथ हम और अरविंदा सीता और यहाँ तक कि अरविंदा समिता वीरा राघवन अनुभवी अभिनेत्री नगमा को फिल्म में अल्लू अर्जुन की माँ की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी हालांकि उन्हें इस भूमिका के लिए सम्पर्क तर्क नहीं किया गया था अरविंदा समिता वीरा राघवन की सफलता के बाद त्रिविक्रम ने एस थमन को दूसरी बार फिल्म के संगीतकार के रूप में नियुक्त किया था मार्च 2019 में यह बताया गया कि पांडू रंगरडू के बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी को चिह्नित करते हुए तब्बू को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था वहीं नाना पाटेकर को प्रतिपक्षी भूमिका निभाने की सूचना भी मिली थी आठ अप्रैल दो को आलू अर्जुन के जन्मदिन के अवसर पर मुख्य कार्य और मुख्य कलाकारों और चालक दल वाल्मीकि वाल ने उसे एक शिशु के रूप में बदल और वहीं बदल दिया था और उसके जैविक पिता एक समृद्ध व्यवसाय रामचंद्र है वही बंटू अपने जैविक और जैविक परिवार की रक्षा के लिए रामचंद्र के वैकंठपुरु में प्रवेश करता है और जब उसे एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा धमकी दी जाती है शिशुओं की अदला बदली का विचार पहले देवान्तम राघवैया की एंटी गुट्टू में किया गया था जिसमें एंटी रामाव और सावित्री ने अभिनय किया था फिल्म का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुई और दिसंबर 2019 में पूरा हुआ वहीं इसे पूरे हैदराबाद में फिल्म आया गया था जिसमें गाने और वहीं गाने विदेशों में शूट किए

मूल रूप से फिल्म में एस थमन द्वारा रचित था और रचित साउंड ट्रैक भी है जबकि छायांकन और संपादन क्रमश पी एस विनोद और नवीन नूली द्वारा नियंत्रित किया गया था वहीं 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था आलोचकों ने अल्लू आलो अर्जुन और मुरली शर्मा के प्रदर्शन कहानी त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत और फिल्म के स्कोर की प्रशंसा करते हुए सकारात्मक समीक्षाओं के साथ फिल्म को खोला था वहीं ये फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही और 262 करोड़ से लेकर 280 करोड़ से अधिक की कमाई के साथ ये सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक के रूप में समाप्त हुई और सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों के रूप में समाप्त हुई थी वहीं 2020 में यह संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक कमाई करने तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई जिसने रिलीज होने पर तीन मिलियन डॉलर से अधिक का संग्रह किया था। बॉक्स ऑफिस दुनिया भर में दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई थी और फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु सहित 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवी पुरस्कार भी जीता था यहाँ तक कि मई 2019 में केतिका शर्मा को दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाने की सूचना भी मिली थी हालांकि निवेदा पेथुराज को इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था रोमांटिक में दो और वही दो में शर्मा की प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म के कलाकारों में जयराम और सुशांत प्रभु भूमिका और प्रमुख भूमिकाओं में थे वहीं काजल अग्रवाल को एक आइटम नंबर में प्रदर्शित होने की सूचना मिली थी लेकिन हालांकि निर्माता द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी तमिल निर्देशक और अभिनेता समूर्थी कानी को एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था जिसने उनकी पहली तेलुगु फिल्म को चिन्हित किया था वहीं फिल्म का लॉन्च इवेंट वैलेंटाइन डे के अवसर पर आयोजित होने का अनुमान लगाया गया था तेरह अप्रैल दो को फिल्म का लॉन्च फिल्म के प्रोडक्शन हाउस गीता आर्ट्स के कार्यालय में आयोजित किया गया था जिसमें फिल्म की टीम ने एक पूजा समारोह में भी भाग लिया था वही फिल्म की मुख्य शूटिंग 24 अप्रैल को हुई थी अप्रैल के माध्यम एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद टीम ने मौसम की स्थिति का हवाला देते हुए एक ब्रेक लिया और साथ ही अल्लू अर्जुन और उनका परिवार स्विट्जरलैंड में एक छोटी छुट्टी के लिए चले गए थे निर्माताओं ने 24 और चौबीस मई 2019 को फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की और पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद निर्माताओं ने पाँच जून दो को हैदराबाद में दूसरा शेड्यूल शुरू किया था पूजा सेट में शामिल हुए थे वहीं 14 जून को एक कारपोरेट कर्मचारी के रूप में अल्लू अर्जुन की एक लीक पोस्ट और लीक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी इस कार्यक्रम के दौरान फिल्म ने और साथ साथ ही और सुशांत को महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जोड़ा था अक्टूबर के मध्य में टीम समाज गाने के वही गाने को फिल्माने के लिए फ्रांस चली गई थी गीत के कुछ हिस्सों को फ्रांस में नारड़ी में मोन्ट सेंट मिशेल और पेरिसर में टावर में शूट किया गया था गीत को विश्व प्रसिद्ध कैबरे थिएटर डी और बन थी। गाने की शूटिंग के लिए निर्माताओं ने पाँच करोड़ तक खर्च किए थे वहीं टीम ने ओ ए मजीडी डैडी गीत को भी शूट किया जिसे यूरोप के कुछ हिस्सों में फिल्म आया गया था वहीं बाद में दिसंबर दो में निर्माता बुट्टा बुम्मा गाने की शूटिंग के लिए हैदराबाद चले गए थे जिसके लिए हैदराबाद के अन्ना स्टूडियो में एक विशाल सेट बनाया गया था और फिल्म की शूटिंग 28 दिसंबर 2019 को पूरी की गई थी यहां तक कि फिल्म के शूटिंग में कई सारी देरियों का सामना करना पड़ा था एस थमन ने अल्लू अर्जुन के साथ अपने तीसरे सहयोग में रेस गुर्रम और सराय नूडू के बाद अरविंद समिता वीरा राघवन के बाद त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ दूसरा सहयोग में फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर की रचना की थी इस एल्बम में ट्रैक हैं जिसमें जिसमें और साथ साथ ही श्री वेलेना सीताराम शास्त्री और साथ ही साथ कसारला श्याम कृष्ण चैतन्य राम जोगैया शास्त्री कल्याण चक्रवर्ती और विजय कुमार भल्ला द्वारा लिखे गए गीत है जिसमें चार ट्रैक एकल के रूप में जारी किए गए थे और रिलीज होने पर वायरल हो गए वही साउंड ट्रैक एल्बम 6 जनवरी दो को जारी किया गया था और गाने थमन और उनके संगीत दल द्वारा उसी दिन हैदराबाद में यूसुफ और साथ ही साथ यूसुफ गुडा पुलिस ग्राउंड में आयोजित ए म्यूजिकल कॉन्सर्ट में प्रस्तुत किया गया था यहां तक कि साउंड ट्रैक एल्बम और साउंड ट्रैक का मलयालम संस्करण 10 जनवरी 2020 को जारी किया गया था ये यूट्यूब पर एक बिलियन से अधिक बार देखे जाने वाले पहला भारतीय फीचर फिल्म साउंड ट्रैक बन गया और गीत बुट्टा बोमा जनवरी दो तक पाँच मिलियन से अधिक बार देखे जाने के साथ यूट्यूब पर सबसे अधिक देखा जाने वाला तेलुगु फिल्म भी बन गया था यूट्यूब के सिर्ष से दस भारतीय संगीत वीडियो में वुट्टा और मारुला दोनों ही एकमात्र दक्षिण भारतीय गीत जिन्हें दो हजार बीस में सूचीबद्ध किया गया था यहाँ तक कि इसके कास्टिंग को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं भी हुई थी और फिल्म के लिए इसकी कहानी की आलोचना भी की गई थी दर्शकों द्वारा फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी दिया गया वहीं 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निर्माताओं ने फिल्म की पहली झलक का अनावरण किया था और इसके शीर्षक के रूप में प्रकट किया फिल्म का फर्स्ट लुक चतुर्थी एक सितम्बर दो हजार उन्नीस की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था इसमें अल्लू अर्जुन को एक व्यापारी के रूप में धूल भरे स्टूल पर बैठे हुए दिखाया गया था और एक सुरक्षा गार्ड अपने सिगार को जलता और जलाता हुआ दिखाया गया था वहीं दशहरा के अवसर पर निर्माताओं ने 7 अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का अनावरण किया और जिसमें अर्जुन को एक एक्शन अवतार में दिखाया गया था वहीं निर्माताओं ने पूजा हेगड़े के जन्मदिन 13 अक्टूबर 2019 पर एक विशेष पोस्टर का खुलासा किया और फिल्म से सुशांत का पहला लुक और वहीं इक्कीस अक्टूबर को जारी किया गया था तब्बू का पहला लुक उनके जन्मदिन चार नवंबर दो को और 19 के अवसर पर जारी किया गया था सात नवम्बर को त्रिविक्रम के जन्मदिन पर निर्माताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म के मलयालम डब संस्करण अंगु अंगु और यहां तक कि थू का पहला जारी किया गया दिसम्बर दो हजार उन्नीस को फिल्म के आधिकारिक टीजर का अनावरण किया गया था छह जनवरी दो हजार बीस को निर्माताओं ने हैदराबाद के यूसुफ गुड़ा पुलिस ग्राउंड में एक विशाल प्रचार कार्यक्रम की योजना बनाई जिसे वीपीएल म्यूजिकल कॉन्सर्ट के नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है और इस योजना के लिए बयालीस फीट ऊंचा और एक फीट एक और वहीं एक फीट का एक मंच तैयार किया गया था जहां निर्माताओं ने फिल्म के ऑडियो एल्बम और नाटकीय ट्रेलर का आराम और यहां तक कि अनावरण किया और इस कार्यक्रम को फिल्म प्रेमियों और दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी यहाँ तक की फिल्म के लिए और साथ ही साथ दर्शकों द्वारा पसंद की गई इसकी कई सारे भूमिकाओं को भी एक साथ जोड़ा गया था और फिल्म की इसकी कहानी की आलोचना भी की गई थी यहाँ तक की फिल्म के लिए निर्माता राधा कृष्ण ने 10 जुलाई 2019 को सोशल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म की रिलीज़ की तारीख की घोषणा की क्योंकि फिल्म संक्रांति के अवसर और अवसर पर रिलीज़ थी और बारह अक्टूबर दो को निर्माता निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 12 जनवरी 2020 को रिलीज होगी जो संक्रांति सप्ताह पर पड़ती है वहीं दिसंबर 2019 के मध्य में यह अफवाह भी थी कि फिल्म निर्धारित तिथि से पहले 10 जनवरी को रिलीज थी वहीं 4 जनवरी 2020 को सक्रिय तेलुगु और सक्रिय तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल ने रिलीज की तारीख के बारे में अफवाहों को खारिज कर दिया और बताया गया कि फिल्म निर्धारित तिथि पर रिलीज होगी और फिल्म का प्रीमियर आई में किया गया था जो दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा थिएटरों में से एक है और भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 जनवरी 2020 को जारी किया गया था यहां तक कि को इसके मलयालम डब संस्करण के साथ रिलीज किया गया था जिसका शीर्षक अंगो वैकंठापुर भी रखा गया था जबकि तमिल डब संस्करण वैकंठापुरम को दो में रिलीज किया गया था हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रसार 13 फरवरी 2022 को टेलीविजन पर किया गया था वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों में फिल्म के नाट्य अधिकार पचहत्तर करोड़ में बेचे गए थे जिसमें निजाम के अधिकार बीस करोड़ बारह करोड़ में दिए गए थे वहीं फिल्म के लिए साढ़े आठ करोड़ उत्तराखंड प्रदेश में और साढ़े छः करोड़ कृष्णा अधिकार पाँच करोड़ पूर्व और पश्चिम गोदावरी क्षेत्रों में क्रमशः साढ़े छह करोड़ और पाँच करोड़ के अधिकार थे वही फिल्म के लिए साढ़े दो करोड़ के अधिकार कर्नाटक के नाट्य अधिकार साढ़े सात करोड़ में बेचे गए थे शेष भारत के नाट्य अधिकार करोड़ और विदेशी अधिकार साढ़े नौ करोड़ अपने विश्वव्यापी नाट्य अधिकारों में पैता और यहाँ तक के नाट्य अधिकारों में पचासी और पचासी करोड़ खर्च किए गए थे जिसमें चार करोड़ और तेईस करोड़ के प्रसारण अधिकार भी थे वही उन्नीस करोड़ के लिए हिंदी डबिंग अधिकार और के यहाँ तक कि अन्य अधिकार भी शामिल थे और साढ़े दो करोड़ फिल्म की रिलीज से पहले कुल 133 करोड़ तक कई सारे विक्रेता को और साथ ही साथ दर्शकों के साथ अनुकूल अन्य कलाकारों की एक संक्षिप्त भूमिका को पेश किया गया था जो कि मूल रूप से दिखाए गए और फिल्म के लिए मूल कहानी पर इसे केंद्रीय विषयों के साथ भी जोड़ा गया था बात करें इस फिल्म को आप कहां पर देख सकते हो दोस्तों तो कुछ महीने पहले ही इस फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए दोस्तों उसी दिन कई सारे लोगों ने इस फिल्म को तो पूरा देख लिया लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिंक में भी जाकर देख सकते हो क्योंकि हमने इस फिल्म के और वहीं इस फिल्म को दिया हुआ है साथ ही साथ आप चाहे तो इस फिल्म को ओटी टी प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर भी सर्च करके फुल एच डी में देख सकते हो अब आगे बढ़े तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार के बारे में बात करें तो फिल्म का डिजिटल प्रीमियर सन सताइस फरवरी दो हजार बीस को हुआ था इसके नाटकीय प्रदर्शन के उन्न पचास दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने नेटफ्लिक्स के माध्यम से अंग्रेजी उप शीर्षक के साथ फिल्म को रिलीज किया था मलयालम डब संस्करण के साथ अंगू वैकंथा और यहां तक कि वैकंथा पूरा को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से रिलीज किया गया और फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ था वहीं वैकंथा पुरम शीर्षक वाले तमिल डब संस्करण का सन सं टीवी पर प्रीमियर किया गया था यहाँ तक कि फिल्म ने पहले दिन और पहले दिन दुनिया भर में पचासी करोड़ की कमाई की वहीं पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने घरेलू स्तर पर 100 करोड़ की कमाई की और 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 2 मिलियन की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म भी बनी यह अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम श्रीनिवास दोनों के लिए पहली दो करोड़ कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी थी बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने घरेलू पर 200 करोड़ की कमाई की और यह दक्षिण भारत की छठी फिल्म बन गई और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वाली पहली फिल्म बिना हिंदी संस्करण थी अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से एक करोड़ से अधिक की कमाई की और यह बाहुबली श्रृंखला के बाद ऐसा करने वाली तीसरी फिल्म भी है और अपने नाटकीय प्रदर्शन के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर में दो करोड़ की कमाई करने में कामयाबी हासिल की जो सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई वहीं फिल्म ने वितरकों को अर्जित किया और एक करोड़ का हिस्सा बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म 2020 की तिरपन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी थी साथ ही साथ फिल्म को दर्शकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दिया गया था और फिल्म के इसकी कई सारे अन्य कल और दर्शकों द्वारा दिखाए गए इसकी कई सारे सफल भूमिकाओं को भी एक साथ जोड़ा गया था और यहाँ तक कि फिल्म को भी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के साथ दिखाया गया था मूल रूप से बात करें फिल्म के बारे में तो फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के एक तमिल रीमेक की पुष्टि होने की सूचना मिली वही सिर्फ कार्तिकी अन्य फिल्म से अर्जुन की भूमिका को फिर से लिया इसके अलावा रीमेक अधिकार प्राप्त करने के अलावा लेकिन रीमेक की योजनाएं तमिल में और तमिल के पक्ष में छोड़ दी गई थी डब शीर्षक उसी महीने कार्तिक आर्यन और कृति सनोन को सहजादा नाम की फिल्म के हिंदी रीमेक और रिमेक के लिए क्रमश अल्लू अर्जुन की भूमिकाओं को दोहराने के निर्माता, राधा, द्वारा, थी। का की पहली और पहली छमाई में शुरू होने की उम्मीद भी थी वहीं फिल्म को पवन कल्याण और यहाँ तक कि आंटी रामाव जूनियर के साथ मशहूर हस्तियों से प्रशंसा मिली अल्लू अर्जुन के प्रदर्शन की सराहना की और गीत बुट्टा बुम्मा को अलू अर्जुन के डांस प्रदर्शन के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें शिल्पा शेट्टी शेट्टी और 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 शमिता अंत में गीत की क्रमश की वही अप्रैल दो हजार बीस में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अपनी पत्नी गैडिस वार्नर के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुए नंबर से हुक स्टेप करने के लिए टिकटॉक का सराहा और वहीं टिकटॉक का सहारा भी लिया और ये गीत तेलुगु फिल्म उद्योग के सबसे वायरल गीतों में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मूवी की हिंदी रिलीज डेट के बारे में साथ साथ ही इस फिल्म को कौन कौन से भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया गया है पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे साथ ही साथ अलावयंथापुर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी हम आपको बताएंगे और इसके बजट से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की पूरी जानकारी आज के हमारे इसी वीडियो में आपको दी जाएगी साथ ही साथ इस फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हो और इस फिल्म को यूट्यूब पर कौन से चैनल पर अपलोड किया जाएगा आज के हमारे इस वीडियो में इसे भी बताया जाएगा साथ ही साथ आपको यह फिल्म कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी ये पूरी जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में आपको बताई जाएगी तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अला पुरुमुलू जिसे प्रारंभिक ए भी कहा जाता है दोस्तों ये 2020 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यहाँ तक कि लिखित और निर्देशित त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा और अल्लू अरविंद द्वारा एस राधा कृष्णा द्वारा क्रमश गीता आर्ट्स और हारिका और हसीन क्रिएशंस के बयान तले निर्मित भी किया गया है इस फिल्म में ताबू जयराम सुशांत और निवेथा पेथुराज के साथ अल्लू अर्जुन और पूजा हेगडे मैम है वहीं समूह हिरकानी मुरली शर्मा नवदीप सुनील सचिन खंडेकर हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे ये फिल्म अब तक की गैर बाहुबली यानी एक और दो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म यानी केवल तेलुगु संस्करण में बनाई गई है इसने 2020 में एक करोड़ की हिस्सेदारी के साथ दुनिया भर में लगभग दो करोड़ की कमाई की वहीं भारत में इस फिल्म के लिए बिकने वाले टिकटों की अनुमानित संख्या लगभग साढ़े एक करोड़ है वहीं अपने करियर में पहली बार अल्लू अर्जुन ने अपनी और वहीं अपनी पिछली नायिका के साथ पूर्व भूमिका के लिए काम किया और पहले उन्होंने यव्दू में काजल को दोहराया जहाँ उन्होंने दो फिल्में रुद्रा और यहाँ तक कि रुद्रा मादेवी और सराय के लिए कैमियो और कैथरीन ट्रेसा की भूमिका भी निभाई वहीं इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण दो साल बाद 2022 में जारी किया गया था जी हां दोस्तों इसी साल में इस फिल्म का डब संस्करण भी जारी किया गया था साथ ही साथ अल्लाह भाई कंथा पुरुमुलू के बारे में बताएं तो ये और भी त्रिविक्रम श्रीनिवास अरविंदा समिथा वीरा राघवन की रिलीज के बाद अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन कर रहे थे वहीं पटकथा सुनने के बाद ये बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह भी दी 21 20 दिसंबर 2018 को नए साल की पूर्व संध्या के साथ परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई थी और इस प्रकार जुलाई और पुत्र सत्यमूर्ति के बाद त्रिविक्रम और अर्जुन के तीसरे सहयोग को चिह्नित किया गया था वहीं आगे ये भी बताया गया कि अर्जुन के पिता अल्ल अरविंद एस राधाकृष्ण की हरिका और हासेन क्रिएशंस के साथ अपने स्वयके बना गीत और वहीं गिटार्स के तहत फिल्म का सह निर्माण करेंगे वहीं फिल्म को अस्थायी शीर्षक के तहत लॉन्च किया गया था जिसका शीर्षक शीर्षक अला था से पहले 15 अगस्त 2019 को सामने आया था वहीं अक्टूबर 2018 के मध्य में रिपोर्टें सामने आई कि कियारा आडवाणी अल्लू अर्जुन के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी जनवरी 2019 में सुनील को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना भी मिली फरवरी 2019 में पूजा हेगड़े को महिला प्रधान के रूप में आडवाणी की जगह लेने की सूचना मिली थी इस प्रकार डीजे के बाद दूसरी बार अर्जुन और त्रिविक्रम दोनों के साथ उनके सहयोग को चिन्हित किया गया था और यहां तक कि की जगन्नाथ हम और अरविंदा सीता और यहां तक कि अरविंदा समिता वीरा राघवन अनुभवी अभिनेत्री नगमा को फिल्म में अल्लू अर्जुन की माँ की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी हालांकि उन्हें इस भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया गया था अरविंदा समिथा राघवन की सफलता के बाद त्रिविक्रम फिल्म के संगीतकार के रूप में नियुक्त किया था मार्च 2019 में यह बताया गया की पांडु बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करते हुए तब्बू को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था वहीं नाना पाटेकर को प्रतिपक्षी भूमिका निभाने की सूचना भी मिली थी आठ अप्रैल दो को आलू के जन्मदिन अवसर पर मुख्य कार्य और वहीं मुख्य कलाकारों और चालक दल वाल्मीकि वाल ने उसे एक शिशु के रूप में बदल और वहीं बदल दिया था और उसके जैविक पिता एक समृद्ध व्यवसाय रामचंद्र है वही बंटू अपने जैविक परी और जैविक परिवार की रक्षा के लिए रामचंद्र के घर वैकंठपुरु में प्रवेश करता है और जब उसे एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा धमकी दी जाती है शिशुओं की अदला बदली का विचार पहले देवान्तम राघवैया की एंटी गुट्टू में किया गया था जिसमें एंटी रामाव और सावित्री ने अभिनय किया था फिल्म का निर्माण अप्रैल दो में शुरू हुई और दिसंबर दो में पूरा हुआ वहीं इसे पूरे हैदराबाद में फिल्म आया गया था जिसमें गाने और वहीं गाने विदेशों में शूट गए थे मूल रूप से फिल्म में एस थमन द्वारा रचित था और रचित साउंड ट्रैक भी है जबकि छायांकन और संपादन क्रमश पी एस विनोद और नवीन नूली द्वारा नियंत्रित किया गया था वहीं 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था आलोचकों ने अल्लू आलो अर्जुन और मुरली शर्मा के प्रदर्शन कहानी त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत फिल्म के स्कोर की प्रशंसा करते हुए सकारात्मक समीक्षाओं के साथ फिल्म को खोला था वहीं ये फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही और दो करोड़ से लेकर 280 करोड़ से अधिक की कमाई के साथ ये सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक के रूप में समाप्त हुई और सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों के रूप में समाप्त हुई थी वहीं 2020 में ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई जिसने रिलीज होने पर तीन मिलियन डॉलर से अधिक का संग्रह किया था बॉक्स बॉक्स ऑफिस ऑफिस ट्रैकिंग ट्रैकिंग और यहां तक कि पोर्टल मोजो के अनुसार फिल्म ने 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की वहीं जिससे ये दुनिया भर में दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई थी और फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु सहित दस दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवी पुरस्कार भी जीता था यहाँ तक कि मई 2019 में केतिका शर्मा को दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाने की सूचना भी मिली थी हालाँकि निवेदा पेथुराज को इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था रोमांटिक में दो और वहीं दो में शर्मा की प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म के कलाकारों में जयराम और सुशांत प्रभु भूमिका और प्रमुख भूमिकाओं में थे वहीं काजल अग्रवाल को एक आइटम नंबर में प्रदर्शित होने की सूचना मिली थी लेकिन हालांकि निर्माता द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी तमिल निर्देशक और अभिनेता समूर्थी को एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था जिसने उनकी पहली तेलुगु फिल्म को चिन्हित किया था वहीं फिल्म का लॉन्च इवेंट वैलेंटाइन डे के अवसर पर आयोजित होने का अनुमान लगाया गया था तेरह अप्रैल दो को फिल्म का लॉन्च फिल्म के प्रोडक्शन हाउस गीता आर्ट्स के कार्यालय में आयोजित किया गया था जिसमें फिल्म की टीम ने एक पूजा समारोह में भी भाग लिया था वही फिल्म की मुख्य शूटिंग 24 अप्रैल को हुई थी अप्रैल के मध्य में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद टीम ने मौसम की स्थिति का हवाला देते हुए एक ब्रेक लिया और साथ ही अल्लू अर्जुन और उनका परिवार स्विट्जरलैंड में एक छोटी छुट्टी के लिए चले गए थे निर्माताओं ने 24 और चौबीस मई 2019 को फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की और पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद निर्माताओं ने पाँच जून दो को हैदराबाद में दूसरा शेड्यूल शुरू किया था पूजा सेट में शामिल हुए थे वहीं 14 जून को एक कारपोरेट कर्मचारी के रूप में अल्लू अर्जुन की एक लीक पोस्ट और लीक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी इस कार्यक्रम के दौरान फिल्म ने और साथ साथ ही और सुशांत को महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जोड़ा था अक्टूबर के मध्य में टीम समाज गाने के वही गाने को फिल्माने के लिए फ्रांस चली गई थी गीत के कुछ हिस्सों को फ्रांस में नारमडी में मोन्ट सेंट मिसेल और पेरिसर में टावर में शूट किया गया था गीत को विश्व प्रसिद्ध थिएटर लीडोडी और, लीडो और निर्माताओं ने पाँच करोड़ तक खर्च किए थे वहीं टीम ने ओ ए मजीडी डैडी गीत को भी शूट किया जिसे यूरोप के कुछ हिस्सों में फिल्म आया गया था वहीं बाद में दिसंबर दो में निर्माता बुट्टा बुमा गाने की शूटिंग के लिए हैदराबाद चले गए थे जिसके लिए हैदराबाद के अन्नापूर्णा स्टूडियो में एक विशाल सेट बनाया गया था और फिल्म की शूटिंग 28 दिसंबर 2019 को पूरी की गई थी यहां तक कि फिल्म के शूटिंग में कई सारी देरियों का सामना करना पड़ा था ऐस खमन में अल्लू अर्जुन के साथ अपने तीसरे सहयोग में रेस गुर्रम और सराय नूडु के बाद अरविंद समिता वीरा राघवन के बाद त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ दूसरा सहयोग में फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर की रचना की थी इस एल्बम में छह ट्रैक हैं जिसमें जिसमें और और साथ सास्त्री और साथ 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 ही ही श्री वेलेना सीताराम शास्त्री कसारला श्याम कृष्ण चैतन्य राम जोगैया शास्त्री कल्याण चक्रवर्ती और विजय कुमार भल्ला द्वारा लिखे गए गीत है जिसमें चार ट्रैक एकल के रूप में जारी किए गए थे और रिलीज होने पर वायरल हो गए वही साउंड ट्रैक एल्बम 6 जनवरी दो को जारी किया गया था और गाने थमन और उनके संगीत दल द्वारा उसी दिन हैदराबाद में यूसुफ और साथ ही साथ यूसुफ गुड़ा पुलिस ग्राउंड में आयोजित एवीपीएल म्यूजिकल कॉन्सर्ट में प्रस्तुत किया गया था यहां तक कि ट्रैक ट्रैक एल्बम एल्बम और का मलयालम संस्करण 10 जनवरी 2020 को जारी किया गया था ये यूट्यूब पर एक बिलियन से अधिक बार देखे जाने वाले पहला भारतीय फीचर फिल्म साउंड ट्रैक बन गया और गीत बुट्टा बोमा जनवरी दो तक पांच मिलियन से अधिक बार देखे जाने के साथ यूट्यूब पर सबसे अधिक देखा जाने वाला फिल्म भी बन गया था youtube के शीर्ष 10 से भारतीय संगीत वीडियो में बुट्टा बमा और मारुलू मारुला दोनों ही एकमात्र दक्षिण भारतीय गीत बन गए जिन्हें 2020 में सूचीबद्ध किया गया था यहाँ तक कि इसके कास्टिंग को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं भी हुई थी और फिल्म के लिए इसकी कहानी की आलोचना भी की गई थी दर्शकों द्वारा फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी दिया गया वहीं 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निर्माताओं ने फिल्म की पहली झलक का अनावरण किया था और इसके शीर्षक को अला के रूप में प्रकट किया वहीं फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर गणेश चतुर्थी एक सितंबर दो की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था इसमें अल्लू अर्जुन को एक व्यापारी के रूप में धूल भरे स्टूल पर बैठे हुए दिखाया गया था और एक सुरक्षा गार्ड अपने सिगार को जलता और जलाता हुआ दिखाया गया था वहीं दशहरा के अवसर पर निर्माताओं ने 7 अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का अनावरण किया और जिसमें अर्जुन को एक एक्शन अवतार में दिखाया गया था वहीं निर्माताओं ने पूजा हेगड़े के जन्मदिन 13 अक्टूबर 2019 पर एक विशेष पोस्टर का खुलासा किया और फिल्म से सुशांत का पहला लुक किस और वहीं 21 अक्टूबर को जारी किया गया था तब का पहला लुक उनके जन्मदिन 4 नवंबर 2019 को और 19 के अवसर पर जारी किया गया था नवम्बर को त्रिविक्रम के जन्मदिन पर निर्माताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म के मलयालम डब संस्करण और यहां तक अंगु अंगू वैकुंठापुर का पहला लिख जारी किया गया था और दिसंबर दो को फिल्म के आधिकारिक टीजर का अनावरण किया गया था छह जनवरी दो को निर्माताओं ने हैदराबाद के यूसुफ गुड़ा पुलिस ग्राउंड में एक विशाल प्रचार कार्यक्रम की योजना बनाई जिसे वीपीएल म्यूजिकल कॉन्सर्ट के नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है और इस योजना के लिए 42 फीट ऊंचा और 162 फीट एक और वहीं 162 फीट का एक मंच तैयार किया गया था जहां निर्माताओं ने फिल्म के ऑडियो एल्बम और नाटकीय ट्रेलर का आराम और यहां तक कि अनावरण किया और इस कार्यक्रम को फिल्म प्रेमियों और दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी यहाँ तक कि फिल्म के लिए और साथ ही साथ दर्शकों द्वारा पसंद की गई इसकी कई सारे भूमिकाओं को भी एक साथ जोड़ा गया था और फिल्म की इसकी कहानी की आलोचना भी की गई थी यहाँ तक कि फिल्म के लिए निर्माता राधा कृष्ण ने 10 जुलाई 2019 को सोशल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म की रिलीज़ की तारीख की घोषणा की क्योंकि फिल्म संक्रांति के अवसर और अवसर पर रिलीज़ थी और बारह अक्टूबर दो को निर्माता ने घोषणा की कि फिल्म 12 जनवरी 2020 को रिलीज होगी जो संक्रांति पर पड़ती है वहीं दिसंबर 2019 के मध्य में यह अफवाह भी थी कि फिल्म निर्धारित तिथि से पहले 10 जनवरी को रिलीज थी वहीं 4 जनवरी 2020 को सक्रिय तेलुगु और सक्रिय तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल ने रिलीज की तारीख के बारे में अफवाहों को खारिज कर दिया और बताया गया कि फिल्म निर्धारित तिथि पर रिलीज होगी और फिल्म का प्रीमियर आई मैं में किया गया था जो दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा थिएटरों में से एक है और भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले इसे इस संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 जनवरी 2020 को जारी किया गया था यहां तक कि को इसके मलयालम डब संस्करण के साथ रिलीज किया गया था जिसका शीर्षक अंगो भी रखा गया था जबकि तमिल डब संस्करण वैकंठापुरम को दो में रिलीज किया गया था हिंदी संस्करण का सीधा प्रसार 13 फरवरी 2022 को टेलीविजन पर किया गया था वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों में फिल्म के नाट्य अधिकार पचहत्तर करोड़ में बेचे गए थे जिसमें निजाम के अधिकार बीस करोड़ बारह करोड़ में दिए गए थे वही फिल्म के लिए साढ़े करोड़ उत्तराखंड प्रदेश में और साढ़े छः करोड़ कृष्णा अधिकार पाँच करोड़ पूर्व और पश्चिम गोदावरी क्षेत्रों में क्रमशः साढ़े छह करोड़ और पाँच करोड़ के अधिकार थे वहीं फिल्म के लिए साढ़े दो करोड़ के नल्डोर अधिकार कर्नाटक के नाट्य अधिकार साढ़े सात करोड़ में बेचे गए थे शेष भारत के नाट्य अधिकार साढ़े एक करोड़ और विदेशी अधिकार साढ़े नौ करोड़ में बेचे गए थे फिल्म ने अपने विश्वव्यापी नाट्य अधिकारों में पैता और यहाँ तक कि नाट्य अधिकारों में पचासी और पचासी करोड़ खर्च किए गए थे जिसमें चार करोड़ और तेईस करोड़ के प्रसारण अधिकार भी थे वही 19 करोड़ करोड़ के लिए हिंदी डबिंग अधिकार और के यहाँ तक कि अन्य अधिकार भी शामिल थे और साढ़े दो करोड़ फिल्म की रिलीज से पहले कुल 133 करोड़ तक कई सारे विक्रेता को और साथ ही साथ दर्शकों के साथ अनुकूल अन्य कलाकारों की एक संक्षिप्त भूमिका को पेश किया गया था जो कि मूल रूप से दिखाए गए और फिल्म के लिए मूल कहानी पर इसे केंद्रीय विषयों के साथ भी जोड़ा गया था बात करें इस फिल्म को आप कहां पर देख सकते हो दोस्तों तो कुछ महीने पहले ही इस फिल्म को YouTube पर अपलोड किया गया था लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए दोस्तों उसी दिन कई सारे लोगों ने इस फिल्म को तो पूरा देख लिया लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिंक में भी जाकर देख सकते हो क्योंकि हमने इस फिल्म के और वहीं इस फिल्म को दिया हुआ है साथ ही आप चाहे तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर भी सर्च करके फुल एच में देख सकते हो अब आगे बढ़े तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार के बारे में बात करें तो फिल्म का डिजिटल प्रीमियर सन सताइस फरवरी दो हजार बीस को हुआ था इसके नाटकीय प्रदर्शन के उन पचास दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने नेटफ्लिक्स के माध्यम से अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ फिल्म को रिलीज किया था मलयालम डब संस्करण के साथ अंग वैकंथा और यहाँ तक कि वैकंथा पूरा थू को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से रिलीज किया गया और फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ था वहीं वैकंथा पुरम शीर्षक वाले तमिल डब संस्करण का सन सं टीवी पर प्रीमियर किया गया था यहाँ तक कि फिल्म ने पहले दिन और पहले दिन दुनिया भर में पचासी करोड़ की कमाई की वहीं पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने घरेलू स्तर पर सौ करोड़ की कमाई की और 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर दो मिलियन की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म भी बनी यह अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम श्रीनिवास दोनों के लिए पहली दो करोड़ कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी थी बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने घरेलू पर 200 करोड़ की कमाई की और यह दक्षिण भारत की छठी फिल्म बन गई और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वाली पहली फिल्म बिना हिंदी संस्करण थी अकेले आंध्र तेलंगाना ऐसी एक सौ पचास करोड़ से अधिक की कमाई की और यह बाहुबली श्रृंखला के बाद ऐसा करने वाली तीसरी फिल्म भी है और अपने नाटकीय प्रदर्शन के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर में दो करोड़ की कमाई करने में कामयाबी हासिल की जो सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई वहीं फिल्म ने वितरकों को अर्जित किया और एक करोड़ का हिस्सा बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म 2020 की तिरपन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी थी साथ ही साथ फिल्म को दर्शकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दिया गया था और फिल्म के इसकी कई सारे अन्य कल और दर्शकों द्वारा दिखाए गए इसकी कई सारे सफल भूमिकाओं को भी एक साथ जोड़ा गया था और यहाँ तक कि फिल्म को भी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के साथ दिखाया गया था मूल रूप से बात करें फिल्म के बारे में तो फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के एक तमिल रीमेक की पुष्टि होने की सूचना मिली वही सिर्फ कार्तिकी ने फिल्म से अर्जुन की भूमिका को फिर से लिया इसके अलावा रीमेक अधिकार प्राप्त करने के अलावा लेकिन रीमेक की योजनाएं तमिल में और तमिल के पक्ष में छोड़ दी गई थी डब शीर्षक वैकंठपुरु उसी महीने कार्तिक आर्यन और कृति सनोन को सहजादा नाम की फिल्म के हिंदी रिमेक और रिमेक के लिए क्रमश अल्लू अर्जुन के निर्माता, राधा द्वारा, थी। का 2021 की पहली और पहली छमाई में शुरू होने की उम्मीद भी थी वहीं फिल्म को पवन कल्याण और यहाँ तक कि आंटी रामाव जूनियर के साथ मशहूर हस्तियों से प्रशंसा मिली अल्लू अर्जुन के प्रदर्शन की सराहना की और गीत भुट्टा बुम्मा को अलू अर्जुन के डांस प्रदर्शन के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी और दिशा पटानी और अंत में गीत की क्रमश की वही अप्रैल दो हजार बीस में ऑस्ट्रेलिया डेविड वार्नर ने अपनी पत्नी गैडिस वार्नर के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुए नंबर से हुक स्टेप करने के लिए टिकटॉक का सराहा और वहीं टिकटॉक का सहारा भी लिया और ये गीत तेलुगु फिल्म उद्योग के सबसे वायरल गीतों में अलावा मूवी की हिंदी रिलीज डेट के बारे में साथ ही साथ इस फिल्म को कौन कौन से भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया गया है ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे साथ ही साथ अलावा कंथापुर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी हम आपको बताएंगे और इसके बजट से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की पूरी जानकारी आज के हमारे इसी वीडियो में आपको दी जाएगी साथ ही साथ इस फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हो और इस फिल्म को यूट्यूब पर कौन से चैनल पर अपलोड किया जाएगा आज के हमारे इस वीडियो में इसे भी बताया जाएगा साथ ही साथ आपको ये फिल्म कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी ये पूरी जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में आपको बताई जाएगी तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अलग है कंथा पुरुमुलू जिसे प्रारंभिक ए भी कहा जाता है दोस्तों ये 2020 दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यहाँ तक कि लिखित और निर्देशित त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा और अल्लू अरविंद द्वारा एस राधा कृष्ण द्वारा और हारिका और हसीन क्रिएशंस के बयान तले निर्मित भी किया गया है इस फिल्म में ताबू जयराम सुशांत और निवेथा पेथुराज के साथ अल्लू अर्जुन और पूजा हेगडे मैम है वही समुथिर मोर्ली शर्मा नवदीप सुनील सचिन खंडेकर हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे ये फिल्म अब तक की गैर बाहुबली यानी एक और दो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म यानी केवल तेलुगु संस्करण में बनाई गई है इसने 2020 में 162 करोड़ की हिस्सेदारी के साथ दुनिया भर में लगभग 275 करोड़ की कमाई की वहीं भारत में इस फिल्म के लिए देखने वाले टिकटों की अनुमानित संख्या लगभग साढ़े एक करोड़ है वहीं अपने करियर में पहली बार अल्लू अर्जुन ने अपने और वहीं अपनी पिछली नायिका के साथ पूर्व भूमिका के लिए काम किया और पहले उन्होंने यबदू में काजल को दोहराया जहां उन्होंने दो फिल्में रुद्रा और यहां तक कि रुद्रा माँ देवी और सराय के लिए एक कैमियो और कैथरीन ट्रेसा की भूमिका भी निभाई वहीं इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण दो साल बाद 2022 में जारी किया गया था जी हां दोस्तों इसी साल में इस फिल्म का डब संस्करण भी जारी किया गया था साथ ही साथ अल्लाह भैगंथा के बारे में बताएं तो ये और भी त्रिविक्रम श्रीनिवास अरविंदा समिथा वीरा राघवन की रिलीज के बाद अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन कर रहे थे वहीं पटकथा सुनने के बाद ये बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह भी दी 21 20 दिसंबर 2018 को नए साल की पूर्व संध्या के साथ परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई थी और इस प्रकार और पुत्र सत्यमूर्ति के बाद त्रिविक्रम और अर्जुन के तीसरे सहयोग को चिन्हित किया गया था वहीं आगे ये भी बताया गया कि अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एस राधा कृष्ण की हरिका और हासीन क्रिएशंस के साथ अपने स्वयं के बैनर गीत और वही के तहत फिल्म का सह निर्माण करेंगे वहीं फिल्म को स्थाई शीर्षक #AA19 के तहत लॉन्च किया गया था जिसका शीर्षक अला पुरुमुलु शीर्षक से पहले 15 अगस्त 2019 को सामने आया था वहीं अक्टूबर 2018 के मध्य में रिपोर्टें सामने आई कि कियारा आडवाणी अल्लू अर्जुन के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी जनवरी 2019 में सुनील को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना भी मिली फरवरी 2019 में पूजा हेगड़े को महिला प्रधान के रूप में आडवाणी की जगह लेने की सूचना मिली थी इस प्रकार डीजे के बाद दूसरी बार अर्जुन और त्रिविक्रम दोनों के साथ उनके सहयोग को चिन्हित किया गया था और यहां तक कि दुआदा जगन्नाथम और अरविंदा सीता और यहां तक कि अरविंदा समिता वीरा राघवन अनुभवी अभिनेत्री नगमा को फिल्म में अल्लू अर्जुन की माँ की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी हालांकि उन्हें इस भूमिका के लिए सम्पर्क तर्क नहीं किया गया था अरविंदा समिथा वीरा राघवन की सफलता के बाद त्रिविक्रम ने एस थमन को दूसरी बार फिल्म के संगीतकार के रूप में नियुक्त किया था मार्च 2019 में यह बताया गया कि पांडू रंगरडू के बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी को चिह्नित करते हुए तब्बू को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था वहीं नाना पाटेकर को प्रतिपक्षी भूमिका निभाने की सूचना भी मिली थी आठ अप्रैल दो को आलू

घर वैकंठपुरु में प्रवेश करता है और जब उसे एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा धमकी दी जाती है शिशुओं की अदला बदली का विचार पहले देवान्तम राघवैया की एंटी गुट्टू में किया गया था जिसमें एंटी रामाव और सावित्री ने अभिनय किया था फिल्म का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुई और दिसंबर 2019 में पूरा हुआ वहीं इसे पूरे हैदराबाद में फिल्म आया गया था जिसमें गाने और वहीं गाने विदेशों में शूट

मूल रूप से फिल्म में एस थमन द्वारा रचित था और रचित साउंड ट्रैक भी है जबकि छायांकन और संपादन क्रमश पी एस विनोद और नवीन नूली द्वारा नियंत्रित किया गया था वहीं 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था आलोचकों ने अल्लू आलो अर्जुन और मुरली शर्मा के प्रदर्शन कहानी त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत और फिल्म के स्कोर की प्रशंसा करते हुए सकारात्मक कर समीक्षाओं के साथ फिल्म को खोला था वहीं ये फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही और 262 करोड़ से लेकर 280 करोड़ से अधिक की कमाई के साथ ये सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक के रूप में समाप्त हुई और सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों के रूप में समाप्त हुई थी वहीं 2020 में यह संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक कमाई करने तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई जिसमें रिलीज होने पर तीन मिलियन डॉलर से अधिक का संग्रह किया था कमाई की वहीं जिससे ये दुनिया भर में 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई थी और फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु सहित 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवी पुरस्कार भी जीता था यहाँ तक कि मई 2019 में केतिका शर्मा को दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाने की सूचना भी मिली थी हालांकि निवेदा पेथुराज को इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था रोमांटिक में दो और वहीं दो में शर्मा की प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म के कलाकारों में जयराम और सुशांत प्रभु भूमिका और प्रमुख भूमिकाओं में थे वहीं काजल अग्रवाल को एक आइटम नंबर में प्रदर्शित होने की सूचना मिली थी लेकिन हालांकि निर्माता द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी तमिल निर्देशक और अभिनेता एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था जिसने उनकी पहली तेलुगु फिल्म को चिन्हित किया था फिल्म का लॉन्च इवेंट वैलेंटाइन डे के अवसर पर आयोजित होने का अनुमान लगाया गया था तेरह अप्रैल दो को फिल्म का लॉन्च फिल्म के प्रोडक्शन हाउस गीता आर्ट्स के कार्यालय में आयोजित किया गया था जिसमें फिल्म की टीम ने एक पूजा समारोह में भी भाग लिया था वहीं फिल्म की मुख्य शूटिंग 24 अप्रैल को हुई थी अप्रैल के माध्यम में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद टीम ने मौसम की स्थिति का हवाला देते हुए एक ब्रेक लिया और साथ ही अल्लू अर्जुन और उनका परिवार स्विट्जरलैंड में एक छोटी छुट्टी के लिए चले गए थे निर्माताओं ने 24 और चौबीस मई 2019 को फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की और पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद निर्माताओं ने पाँच जून दो को हैदराबाद में दूसरा शेड्यूल शुरू किया था पूजा सेट में शामिल हुए थे वहीं 14 जून को एक कारपोरेट कर्मचारी के रूप में अल्लू अर्जुन की एक लीक पोस्ट और लीक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी इस कार्यक्रम के दौरान फिल्म ने और साथ साथ ही और सुशांत को महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जोड़ा था अक्टूबर के मध्य में टीम समाज गरम गाने के वही गाने को फिल्माने के लिए फ्रांस चली गई थी गीत के कुछ हिस्सों को फ्रांस में नारी में मोन्ट सेंट मिशेल और पेरिसर में टावर में शूट किया गया था गीत को विश्व प्रसिद्ध कैबरे फिल्म, फिल्म बन गई थी गाने की शूटिंग के लिए निर्माताओं ने पाँच करोड़ तक खर्च किए थे वहीं टीम ने ओ ए मजीडी डैडी गीत को भी शूट किया जिसे यूरोप के कुछ हिस्सों में फिल्म आया गया था वहीं बाद में दिसंबर दो में निर्माता बुट्टा बुमा गाने की शूटिंग के लिए हैदराबाद चले गए थे जिसके लिए हैदराबाद के अन्ना स्टूडियो में एक विशाल सेट बनाया गया था और फिल्म की शूटिंग 28 दिसंबर 2019 को पूरी की गई थी यहां तक कि फिल्म के शूटिंग में कई सारी देरियों का सामना करना पड़ा था एस थमन ने अल्लू अर्जुन के साथ अपने तीसरे सहयोग में रेस गुर्रम और सराय नूडू के बाद अरविंद समिता वीरा राघवन के बाद त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ दूसरा सहयोग में फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर की रचना की थी इस एल्बम में ट्रैक हैं जिसमें जिसमें और साथ साथ ही श्री वेलेना सीताराम शास्त्री और साथ ही साथ कसारला श्याम कृष्ण चैतन्य राम जोगैया शास्त्री कल्याण चक्रवर्ती और विजय कुमार भल्ला द्वारा लिखे गए गीत है जिसमें चार ट्रैक एकल के रूप में जारी किए गए थे और रिलीज होने पर वायरल हो गए वही साउंड ट्रैक एल्बम 6 जनवरी दो को जारी किया गया था और गाने थमन और उनके संगीत दल द्वारा उसी दिन हैदराबाद में यूसुफ और साथ ही साथ यूसुफ गुडा पुलिस ग्राउंड में आयोजित एवीपीएल म्यूजिकल कॉन्सर्ट में प्रस्तुत किया गया था यहां तक कि एल्बम और साउंड ट्रैक एल्बम का मलयालम संस्करण 10 जनवरी 2020 को जारी किया गया था ये यूट्यूब पर एक बिलियन से अधिक बार देखे जाने वाले पहला भारतीय फीचर फिल्म साउंड ट्रैक बन गया और गीत बुट्टा बोमा जनवरी दो तक पाँच मिलियन से अधिक बार देखे जाने के साथ यूट्यूब पर सबसे अधिक देखा जाने वाला तेलुगू फिल्म भी बन गया था यूट्यूब के शेर से दस भारतीय संगीत वीडियो में बुमा और मारुला दोनों ही एकमात्र दक्षिण भारतीय गीत बन गए जिन्हें बीस में सूचीबद्ध किया गया था यहाँ तक कि इसके कास्टिंग को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं भी हुई थी और फिल्म के लिए इसकी कहानी की आलोचना भी की गई थी दर्शकों द्वारा फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी दिया गया वहीं 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निर्माताओं ने फिल्म की पहली झलक का अनावरण किया था और इसके शीर्षक को अला के रूप में प्रकट किया वहीं फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर गणेश चतुर्थी एक सितम्बर दो की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था इसमें अल्लू अर्जुन को एक व्यापारी के रूप में धूल भरे स्टूल पर बैठे हुए दिखाया गया था और एक सुरक्षा गार्ड अपने सिगार को जलता और जलाता हुआ दिखाया गया था वहीं दशहरा के अवसर पर निर्माताओं ने 7 अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का अनावरण किया और जिसमें अर्जुन को एक एक्शन था था अवतार में दिखाया गया था। हेगड़े के था पर एक विशेष पोस्टर का खुलासा किया और फिल्म से सुशांत का पहला लुक इक्कीस और वहीं इक्कीस अक्टूबर को जारी किया गया था तब्बू का पहला लुक उनके जन्मदिन चार नवम्बर दो तो को और 19 के अवसर पर जारी किया गया था नवम्बर को त्रिविक्रम के जन्मदिन पर निर्माताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म के मलयालम डब संस्करण अंगु अंगु और यहां तक कि टू का पहला जारी किया गया था और दिसंबर दो हजार उन्नीस को फिल्म के आधिकारिक टीजर का अनावरण किया गया था छह जनवरी दो हजार बीस को निर्माताओं ने हैदराबाद के यूसुफ गुड़ा पुलिस ग्राउंड में एक विशाल प्रचार कार्यक्रम की योजना बनाई जिसे

यहाँ तक कि फिल्म के लिए और साथ ही साथ दर्शकों द्वारा पसंद की गई इसकी कई सारे भूमिकाओं को भी एक साथ जोड़ा गया था और फिल्म की इसकी कहानी की आलोचना भी की गई थी यहाँ तक कि फिल्म के लिए निर्माता राधा कृष्ण ने 10 जुलाई 2019 को सोशल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा की क्योंकि फिल्म संक्रांति के अवसर और अवसर पर रिलीज़ थी और बारह अक्टूबर दो को निर्माता ने घोषणा की कि फिल्म 12 जनवरी 2020 को रिलीज होगी जो संक्रांति पर पड़ती है वहीं दिसंबर 2019 के मध्य में यह अफवाह भी थी कि फिल्म निर्धारित तिथि से पहले 10 जनवरी को रिलीज थी वहीं 4 जनवरी 2020 को सक्रिय तेलुगु और सक्रिय तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल ने रिलीज की तारीख के बारे में अफवाहों को खारिज कर दिया और बताया गया कि फिल्म निर्धारित तिथि पर रिलीज होगी और फिल्म का प्रीमियर आई में किया गया था जो दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा थिएटरों में से एक है और भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले से अमेरिका में 11 2020 को जारी किया गया था यहाँ को इसके मलयालम डब संस्करण के साथ रिलीज किया गया था जिसका शीर्षक अंगो भी रखा गया था जबकि तमिल डब संस्करण वैकंठपुरम को दो में रिलीज किया गया था हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रसार 13 फरवरी 2022 को टेलीविजन पर किया गया था वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों में फिल्म के नाट्य अधिकार पचहत्तर करोड़ में बेचे गए थे जिसमें निजाम के अधिकार बीस करोड़ बारह करोड़ में दिए गए थे वहीं फिल्म के लिए साढ़े आठ करोड़ उत्तराखंड प्रदेश में और साढ़े छः करोड़ कृष्णा अधिकार पाँच करोड़ पूर्व और पश्चिम गोदावरी क्षेत्रों में क्रमशः साढ़े छह करोड़ और पाँच करोड़ के अधिकार थे वही फिल्म के लिए साढ़े दो करोड़ के अधिकार कर्नाटक के नाट्य अधिकार साढ़े सात करोड़ में बेचे गए थे शेष भारत के नाट्य अधिकार करोड़ और विदेशी साढ़े नौ करोड़ में बेचे गए थे फिल्म ने अपने विश्वव्यापी नाट्य अधिकारों में पैता और यहाँ तक कि नाट्य अधिकारों में पचासी और पचासी करोड़ खर्च किए गए थे जिसमें चार करोड़ और तेईस करोड़ के प्रसारण अधिकार भी थे वही उन्नीस करोड़ के लिए हिंदी डबिंग अधिकार और के यहाँ तक कि अन्य अधिकार भी शामिल थे और साढ़े दो करोड़ फिल्म की रिलीज से पहले कुल 133 करोड़ तक कई सारे विक्रेता को और साथ ही साथ दर्शकों के साथ अनुकूल अन्य कलाकारों की एक संक्षिप्त भूमिका को पेश किया गया था जो कि मूल रूप से दिखाए गए और फिल्म के लिए मूल कहानी पर इसे केंद्रीय विषयों के साथ भी जोड़ा गया था बात करें इस फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हो दोस्तों तो कुछ महीने पहले ही इस फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए दोस्तों उसी दिन कई सारे लोगों ने इस फिल्म को तो पूरा देख लिया लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिंक में भी जाकर देख सकते हो क्योंकि हमने इस फिल्म के और वहीं इस फिल्म को दिया हुआ है साथ ही साथ आप चाहे तो इस फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर भी सर्च करके फुल एच में देख सकते हो अब आगे बढ़े तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार के बारे में बात करें तो फिल्म का डिजिटल प्रीमियर सन सताइस पर दो फरवरी 2020 को हुआ था इसके नाटकीय प्रदर्शन के उन पचास दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने नेटफ्लिक्स के माध्यम से अंग्रेजी उप शीर्षक के साथ फिल्म को रिलीज किया था मलयालम डब संस्करण के साथ अंगूबर वैकंथा और यहां तक कि वैकंथा पूरा थ को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से रिलीज किया गया और फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ था वहीं वैकंथा पुरम शीर्षक वाले तमिल डब संस्करण का सन टीवी पर प्रीमियर किया गया था यहाँ तक कि फिल्म ने पहले दिन और पहले दिन दुनिया भर में पचासी करोड़ की कमाई की वहीं पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने घरेलू स्तर पर 100 करोड़ की कमाई की और 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 2 मिलियन की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म भी बनी यह अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम श्रीनिवास दोनों के लिए पहली दो करोड़ कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी थी बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने घरेलू पर 200 करोड़ की कमाई की और यह दक्षिण भारत की छठी फिल्म बन गई और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वाली पहली फिल्म बिना हिंदी संस्करण थी अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 150 करोड़ से अधिक की कमाई की और यह बाहुबली श्रृंखला के बाद ऐसा करने वाली तीसरी फिल्म भी है और अपने नाटकीय प्रदर्शन के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर में दो करोड़ की कमाई करने में कामयाबी हासिल की जो सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई वहीं फिल्म ने वितरकों को अर्जित किया और एक करोड़ का हिस्सा बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म 2020 की तिरपन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी थी साथ ही साथ फिल्म को दर्शकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दिया गया था और फिल्म के इसकी कई सारे अन्य कल और दर्शकों द्वारा दिखाए गए इसकी कई सारे सफल भूमिकाओं को भी एक साथ जोड़ा गया था और यहाँ तक कि फिल्म को भी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के साथ दिखाया गया था मूल रूप से बात करें फिल्म के बारे में तो फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के एक तमिल रीमेक की पुष्टि होने की सूचना मिली वहीं शिव कार्तिक कार्तिकी अन्य अर्जुन की भूमिका को फिर से लिया इसके अलावा रीमेक अधिकार प्राप्त करने के अलावा लेकिन रीमेक की योजनाएं तमिल में और तमिल के पक्ष में छोड़ दी गई थी डब शीर्षक उसी महीने कार्तिक आर्यन और कृति सैनोन को सहजादा फिल्म के हिंदी रिमेक और रिमेक के लिए क्रमश अल्लू अर्जुन और हेगडे की भूमिकाओं को दोहराने और के निर्माता राधा द्वारा थी। का 2021 की पहली और पहली छमाई में शुरू होने की उम्मीद भी थी वहीं फिल्म को पवन कल्याण और यहाँ तक कि आंटी रामाव जूनियर के साथ मशहूर हस्तियों से प्रशंसा मिली अल्लू अर्जुन के प्रदर्शन की सराहना की और गीत बुट्टा बुम्मा को अलू अर्जुन के डांस प्रदर्शन के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी और दिशा पटानी और अंत में गीत की क्रमश की वहीं अप्रैल 2020 हजार बीस में ऑस्ट्रेलिया डेविड वार्नर ने अपनी पत्नी गैडिस वार्नर के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुए नंबर से हुक स्टेप करने के लिए टिकटॉक का सराहा और वहीं टिकटॉक का सहारा भी लिया और ये गीत तेलुगु फिल्म उद्योग के सबसे वायरल गीतों में से वेकम था

कौन से चैनल पर अपलोड किया जाएगा आज के हमारे इस वीडियो में इसे भी बताया जाएगा साथ ही साथ आपको ये फिल्म कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी ये पूरी जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में आपको बताई जाएगी तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अलव है कंथा पुरुमुलूद जिसे प्रारंभिक ए भी कहा जाता है दोस्तों ये 2020 दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यहाँ तक कि लिखित और निर्देशित त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा और अल्लू अरविंद द्वारा एस राधा कृष्णा द्वारा आर्स और हारिका और हसीन क्रिएशंस के बैन तले निर्मित भी किया गया है इस फिल्म में ताबू जयराम सुशांत और निवेथा पेथुराज के साथ अल्लू अर्जुन और पूजा हेगडे मैम है वहीं समुथिर कान मोर्ली शर्मा नवदीप सुनील सचिन खंडेकर हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे ये फिल्म अब तक की गैर बाहुबली यानी एक और दो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म यानी केवल तेलुगु संस्करण में बनाई गई है इसने 2020 में 162 करोड़ की हिस्सेदारी के साथ दुनिया भर में लगभग 275 करोड़ की कमाई की वहीं भारत में इस फिल्म के लिए बिक वाले टिकटॉक की अनुमानित संख्या लगभग साढे एक करोड़ है वहीं अपने करियर में पहली बार अल्लू अर्जुन ने अपनी और वहीं अपनी पिछली नायिका के साथ पूर्व भूमिका के लिए काम किया और पहले उन्होंने यदु में काजल को दोहराया जहां उन्होंने दो फिल्में रुद्रा और यहां तक कि रुद्रा देवी और सरायनाडु के लिए एक कैमियो और कैथरीन ट्रेसा की भूमिका भी निभाई वहीं इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण दो साल बाद 2022 में जारी किया गया था जी हां दोस्तों इसी साल में इस फिल्म का डब संस्करण भी जारी किया गया था साथ ही साथ अल्लाह भाई कंथा के बारे में बताएं तो ये और भी त्रिविक्रम श्रीनिवास अरविंदा समिथा वीरा राघवन की रिलीज के बाद अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन कर रहे थे वहीं पटकथा सुनने के बाद ये बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह भी दी 21 दिसंबर 2018 को नए साल की पूर्व संध्या के साथ परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई थी और इस प्रकार जुलाई और पुत्र सत्यमूर्ति के बाद त्रिविक्रम और अर्जुन के तीसरे सहयोगी को चिह्नित किया गया था वहीं आगे ये भी बताया गया कि अर्जुन के पिता अल्लु अरविंद एस राधाकृष्ण की हरिका और हासेन क्रिएशंस के साथ अपने स्वयके बना गीत और वहीं गिटार्स के तहत फिल्म का सह निर्माण करेंगे वहीं फिल्म को स्थाई शीर्षक #AA19 के तहत लॉन्च किया गया था जिसका शीर्षक अला वैकुंठपुरमुलु शीर्षक से पहले 15 अगस्त 2019 को सामने आया था वहीं अक्टूबर 2018 के मध्य में रिपोर्टें सामने आई कि कियारा आडवाणी अल्लू अर्जुन के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी जनवरी 2019 में सुनील को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना भी मिली फरवरी 2019 में पूजा हेगड़े को महिला प्रधान के रूप में आडवाणी की जगह लेने की सूचना मिली थी इस प्रकार डीजे के बाद दूसरी बार अर्जुन और त्रिविक्रम दोनों के साथ उनके सहयोग को किया गया था और यहाँ जगन्नाथ हम और अरविंदा सीता और यहाँ तक कि अरविंदा समिता वीरा राघवन अनुभवी अभिनेत्री नगमा को फिल्म में अल्लू अर्जुन की माँ की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी हालांकि उन्हें इस भूमिका के लिए सम्पर्क नहीं किया गया था अरविंदा वीरा राघवन की सफलता के बाद त्रिविक्रम फिल्म के संगीतकार के रूप में नियुक्त किया था मार्च 2019 में यह बताया गया कि की के बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करते हुए तब्बू को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था वहीं नाना पाटेकर को प्रतिपक्षी भूमिका निभाने की सूचना भी मिली थी आठ अप्रैल दो को आलू

घर वैकंठपुरु में प्रवेश करता है और जब उसे एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा धमकी दी जाती है शिशुओं की अदला बदली का विचार पहले देवान्तम राघवैया की एंटी गुट्टू में किया गया था जिसमें एंटी रामाव और सावित्री ने अभिनय किया था फिल्म का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुई और दिसंबर 2019 में पूरा हुआ वहीं इसे पूरे हैदराबाद में फिल्म आया गया था जिसमें गाने और वहीं गाने विदेशों में शूट ghé thêm मूल रूप से फिल्म में एस थमन द्वारा रचित था और रचित साउंड ट्रैक भी है जबकि छायांकन और संपादन क्रमश पी एस विनोद और नवीन नूली द्वारा नियंत्रित किया गया था वहीं 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था आलोचकों ने अल्लू आलो अर्जुन और मुरली शर्मा के प्रदर्शन कहानी त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत फिल्म के स्कोर की प्रशंसा करते हुए सकारात्मक समीक्षाओं के साथ फिल्म को खोला था वहीं ये फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही और दो करोड़ से लेकर 280 करोड़ से अधिक की कमाई के साथ ये सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक के रूप में समाप्त हुई और सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों के रूप में समाप्त हुई थी वहीं 2020 में ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई जिसने रिलीज होने पर तीन मिलियन डॉलर से अधिक का संग्रह किया था बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग और यहाँ कि ट्रैकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस के अनुसार फिल्म ने 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की वहीं जिससे ये दुनिया भर में दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई थी और फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु सहित 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवी पुरस्कार भी जीता था यहाँ तक कि मई 2019 में केतिका शर्मा को दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाने की सूचना भी मिली थी हालाँकि निवेदा पेथुराज को इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था रोमांटिक में दो और वहीं दो में शर्मा की प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म के कलाकारों में जयराम और सुशांत प्रभु भूमिका और प्रमुख भूमिकाओं में थे वहीं काजल अग्रवाल को एक आइटम नंबर में प्रदर्शित होने की सूचना मिली थी लेकिन हालांकि निर्माता द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी तमिल निर्देशक और अभिनेता समूर्थी को एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था जिसने उनकी पहली तेलुगु फिल्म को चिन्हित किया था वहीं फिल्म का लॉन्च इवेंट वैलेंटाइन डे के अवसर पर आयोजित होने का अनुमान लगाया गया था तेरह अप्रैल दो को फिल्म का लॉन्च फिल्म के प्रोडक्शन हाउस गीता आर्ट्स के कार्यालय में आयोजित किया गया था जिसमें फिल्म की टीम ने एक पूजा समारोह में भी भाग लिया था वहीं फिल्म की मुख्य शूटिंग 24 अप्रैल को हुई थी अप्रैल के मध्य में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद टीम ने मौसम की स्थिति का हवाला देते हुए एक ब्रेक लिया और साथ ही अल्लू अर्जुन और उनका परिवार स्विट्जरलैंड में एक छोटी छुट्टी के लिए चले गए थे निर्माताओं ने 24 और चौबीस मई 2019 को फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की और पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद निर्माताओं ने पाँच जून दो को हैदराबाद में दूसरा शेड्यूल शुरू किया था पूजा सेट में शामिल हुए थे वहीं 14 जून को एक कारपोरेट कर्मचारी के रूप में अल्लू अर्जुन की एक लीक पोस्ट और लीक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी इस कार्यक्रम के दौरान निवेदा पेथुराज तब्बू और सुशांत साथ साथ को महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जोड़ा था अक्टूबर के मध्य में टीम समाज गाने के गाने को फिल्माने के लिए फ्रांस चली गई थी गीत के कुछ हिस्सों को फ्रांस में नारिक में मोन्ट सेंट मिशेल और पेरिसर में टावर में शूट किया गया था गीत को विश्व प्रसिद्ध थिएटर डी और, और निर्माताओं ने पाँच करोड़ तक खर्च किए थे वहीं टीम ने ओ ए मजीडी डैडी गीत को भी शूट किया जिससे यूरोप के कुछ हिस्सों में फिल्म आया गया था वहीं बाद में दिसंबर दो में निर्माता बुट्टा बुमा गाने की शूटिंग के लिए हैदराबाद चले गए थे जिसके लिए हैदराबाद के अन्नापूर्णा स्टूडियो में एक विशाल सेट बनाया गया था और फिल्म की शूटिंग 28 दिसंबर 2019 को पूरी की गई थी यहां तक कि फिल्म के शूटिंग में कई सारी देरियों का सामना करना पड़ा था ऐसा ने अल्लू अर्जुन के साथ अपने तीसरे सहयोग में रेस गुर्रम और सराय नूडु के बाद अरविंद समिता वीरा राघवन के बाद त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ दूसरा सहयोग में फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर की रचना की थी इस एल्बम में ट्रैक हैं जिसमें जिसमें और और साथ सास्त्री और साथ 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 ही श्री वेलेना सीताराम शास्त्री कसारला श्याम कृष्ण चैतन्य राम जोगैया शास्त्री कल्याण चक्रवर्ती और विजय कुमार भल्ला द्वारा लिखे गए गीत है जिसमें चार ट्रैक एकल के रूप में जारी किए गए थे और रिलीज होने पर वायरल हो गए वही साउंड ट्रैक एल्बम 6 जनवरी दो बीस को जारी किया गया था और गाने थमन और उनके संगीत दल द्वारा उसी दिन हैदराबाद में यूसुफ और साथ ही साथ यूसुफ गुड़ा पुलिस ग्राउंड में आयोजित एवीपीएल म्यूजिकल कॉन्सर्ट में प्रस्तुत किया गया था यहां तक कि साउंड ट्रैक एल्बम और साउंड ट्रैक एल्बम का मलयालम संस्करण 10 जनवरी 2020 को जारी किया गया था ये यूट्यूब पर एक बिलियन से अधिक बार देखे जाने वाले पहला भारतीय फीचर फिल्म साउंड ट्रैक बन गया और गीत बुट्टा बोमा जनवरी दो तक पाँच मिलियन से अधिक बार देखे जाने के साथ यूट्यूब पर सबसे अधिक देखा जाने वाला फिल्म भी बन गया था youtube के शीर्ष से दस भारतीय संगीत वीडियो में वट्टा बम्मा और मारुलू मारुला दोनों ही एकमात्र दक्षिण भारतीय गीत बन गए जिन्हें 2020 में सूचीबद्ध किया गया था यहाँ तक कि इसके कास्टिंग को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं भी हुई थी और फिल्म के लिए इसकी कहानी की आलोचना भी की गई थी दर्शकों द्वारा फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी दिया गया वहीं 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निर्माताओं ने फिल्म की पहली झलक का अनावरण किया था और इसके शीर्षक को अला के रूप में प्रकट किया वही फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर गणेश चतुर्थी एक सितंबर दो की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था इसमें अल्लू अर्जुन को एक व्यापारी के रूप में धूल भरे स्टूल पर बैठे हुए दिखाया गया था और एक सुरक्षा गार्ड अपने सिगार को जलता और जलाता हुआ दिखाया गया था वहीं दशहरा के अवसर पर निर्माताओं ने 7 अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का अनावरण किया और जिसमें अर्जुन को एक एक्शन अवतार में दिखाया गया था वहीं निर्माताओं ने पूजा हेगड़े के जन्मदिन 13 अक्टूबर 2019 पर एक विशेष पोस्टर का खुलासा किया और फिल्म से सुशांत का पहला लुक एक किस और वहीं 21 अक्टूबर को जारी किया गया था तबबू का पहला लुक उनके जन्मदिन 4 नवंबर 2019 को और 19 के अवसर पर जारी किया गया था नवम्बर को त्रिविक्रम के जन्मदिन पर निर्माताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म के मलयालम डब संस्करण डूकुंठा और यहां तक कि थू का पहला जारी किया गया था और दिसंबर दो को फिल्म के आधिकारिक टीजर का अनावरण किया गया था छह जनवरी दो को निर्माताओं ने हैदराबाद के यूसुफ गुड़ा पुलिस ग्राउंड में एक विशाल प्रचार कार्यक्रम की योजना बनाई जिसे वीपीएल म्यूजिकल कॉन्सर्ट के नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है और इस योजना के लिए 42 फीट ऊंचा और 162 फीट एक और वहीं 162 फीट का एक मंच तैयार किया गया था जहां निर्माताओं ने फिल्म के ऑडियो एल्बम और नाटकीय ट्रेलर का आराम और यहां तक कि अनावरण किया और इस कार्यक्रम को फिल्म प्रेमियों और दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी यहाँ तक कि फिल्म के लिए और साथ ही साथ दर्शकों द्वारा पसंद की गई इसकी कई सारे भूमिकाओं को भी एक साथ जोड़ा गया था और फिल्म के इसकी कहानी की आलोचना भी की गई थी यहाँ तक कि फिल्म के लिए निर्माता राधा कृष्ण ने 10 जुलाई 2019 को सोशल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म की रिलीज़ की तारीख की घोषणा की क्योंकि फिल्म संक्रांति के अवसर और अवसर पर रिलीज थी और बारह अक्टूबर दो को ने घोषणा की कि फिल्म 12 जनवरी 2020 को रिलीज होगी जो संक्रांति पर पड़ती है वहीं दिसंबर 2019 के मध्य में यह अफवाह भी थी कि फिल्म निर्धारित तिथि से पहले 10 जनवरी को रिलीज थी वहीं 4 जनवरी 2020 को सक्रिय तेलुगु और सक्रिय तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल ने रिलीज की तारीख के बारे में अफवाहों को खारिज कर दिया और बताया गया कि फिल्म निर्धारित तिथि पर रिलीज होगी और फिल्म का प्रीमियर आई में किया गया था जो दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा थिएटरों में से एक है और भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 जनवरी 2020 को जारी किया गया था यहां तक कि इसके मलयालम डब संस्करण के साथ रिलीज किया गया था जिसका शीर्षक अंगो भी रखा गया था जबकि तमिल डब संस्करण वैकंठापुरम को दो में रिलीज किया गया था हिंदी अब संस्करण का सीधा प्रसार 13 फरवरी 2022 को टेलीविजन पर किया गया था वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों में फिल्म के नाट्य अधिकार पचहत्तर करोड़ में बेचे गए थे जिसमें निजाम के अधिकार बीस करोड़ बारह करोड़ में दिए गए थे वहीं फिल्म के लिए साढ़े आठ करोड़ उत्तराखंड प्रदेश में और साढ़े छः करोड़ कृष्णा अधिकार पाँच करोड़ पूर्व और पश्चिम गोदावरी क्षेत्रों में क्रमशः साढ़े छह करोड़ और पाँच करोड़ के अधिकार थे वहीं फिल्म के लिए साढ़े दो करोड़ के नल्डोर अधिकार कर्नाटक के नाट्य अधिकार साढ़े सात करोड़ में बेचे गए थे शेष भारत के नाट्य अधिकार करोड़ और विदेशी अधिकार साढ़े नौ करोड़ में बेचे गए थे फिल्म ने अपने विश्वव्यापी नाट्य अधिकारों में पैत और यहाँ तक कि नाट्य अधिकारों में पचासी और पचासी करोड़ खर्च किए गए थे जिसमें चार करोड़ और तेईस करोड़ के प्रसारण अधिकार भी थे वही उन्नीस करोड़ के लिए हिंदी डबिंग अधिकार और के यहाँ तक कि अन्य अधिकार भी शामिल थे और साढ़े दो करोड़ फिल्म की रिलीज से पहले कुल 133 करोड़ तक कई सारे विक्रेता को और साथ ही साथ दर्शकों के साथ अनुकूल अन्य कलाकारों की एक संक्षिप्त भूमिका को पेश किया गया था जो कि मूल रूप से दिखाए गए और फिल्म के लिए मूल कहानी पर इसे केंद्रीय विषयों के साथ भी जोड़ा गया था बात करें इस फिल्म को आप कहां पर देख सकते हो दोस्तों तो कुछ महीने पहले ही इस फिल्म को YouTube पर अपलोड किया गया था लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए दोस्तों उसी दिन कई सारे लोगों ने इस फिल्म को तो पूरा देख लिया लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिंक में भी जाकर देख सकते हो क्योंकि हमने इस फिल्म के और वहीं इस फिल्म को दिया हुआ है साथ ही आप चाहे तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर भी सर्च करके फुल एच डी में देख सकते हो अब आगे बढ़े तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार के बारे में बात करें तो फिल्म का डिजिटल प्रीमियर सन सताइस फरवरी दो हजार बीस को हुआ था इसके नाटकीय प्रदर्शन के उन पचास दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने नेटफ्लिक्स के माध्यम से अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ फिल्म को रिलीज किया था मलयालम डब संस्करण के साथ अंगुबर वैकंथा और यहाँ तक कि वैकंथा पुरथ को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से रिलीज किया गया और फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ था वहीं वैकंथा पुरम शीर्षक वाले तमिल डब संस्करण का सन सं टीवी पर प्रीमियर किया गया था यहाँ तक कि फिल्म ने पहले दिन और पहले दिन दुनिया भर में पचासी करोड़ की कमाई की वहीं पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने घरेलू स्तर पर 100 करोड़ की कमाई की और 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर 2 मिलियन की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म भी बनी यह अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम श्रीनिवास दोनों के लिए पहली दो करोड़ कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी थी बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने घरेलू पर 200 करोड़ की कमाई की और यह दक्षिण भारत की छठी फिल्म बन गई और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वाली पहली फिल्म बिना हिंदी संस्करण थी अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 150 करोड़ से अधिक की कमाई की और यह बाहुबली श्रृंखला के बाद ऐसा करने वाली तीसरी फिल्म भी है और अपने नाटकीय प्रदर्शन के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर में दो करोड़ की कमाई करने में कामयाबी हासिल की जो सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई वहीं फिल्म ने वितरकों को अर्जित किया और एक करोड़ का हिस्सा बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म 2020 की तिरपन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी थी साथ ही साथ फिल्म को दर्शकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दिया गया था और फिल्म के इसकी कई सारे अन्य कल और दर्शकों द्वारा दिखाए गए इसकी कई सारे सफल भूमिकाओं को भी एक साथ जोड़ा गया था और यहाँ तक कि फिल्म को भी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के साथ दिखाया गया था मूल रूप से बात करें फिल्म के बारे में तो फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के एक तमिल रीमेक की की पुष्टि होने सूचना मिली वहीं ने फिल्म से अर्जुन की भूमिका को फिर से लिया इसके अलावा रीमेक अधिकार प्राप्त करने के अलावा लेकिन रीमेक की योजनाएं तमिल में और तमिल के पक्ष में छोड़ दी गई थी डब शीर्षक वैकंठपुरु उसी महीने कार्तिक आर्यन और कृति सनोन को सहजादा नाम फिल्म के हिंदी रिमेक और रिमेक के लिए क्रमश अल्लू अर्जुन और हेगडे की भूमिकाओं को दोहराने पहली और पहली छमाई में शुरू होने की उम्मीद भी थी वहीं फिल्म को पवन कल्याण और, और यहाँ तक की एंटी रामाव जूनियर के साथ मशहूर हस्तियों से प्रशंसा मिली अल्लू अर्जुन के प्रदर्शन की सराहना की और गीत भुट्टा बुम्मा को अर्जुन के डांस प्रदर्शन के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी और दिशा पटानी की क्रमश की वही अप्रैल दो हजार बीस में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अपनी पत्नी गैडिस वार्नर के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुए नंबर से हुक स्टेप करने के लिए टिकटॉक का सराह और वहीं टिकटॉक का सहारा भी लिया और ये गीत तेलुगु फिल्म उद्योग के सबसे वायरल गीतों में से अलावा मूवी की हिंदी रिलीज डेट के बारे में साथ ही साथ इस फिल्म को कौन कौन से भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया गया है पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे साथ ही साथ अलावा से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी हम आपको बताएंगे और इसके बजट से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की पूरी जानकारी आज के हमारे इसी वीडियो में आपको दी जाएगी साथ ही साथ इस फिल्म को आप कहाँ पर देख सकते हो और इस फिल्म को यूट्यूब पर

ए भी कहा जाता है दोस्तों ये 2020 दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है यहाँ तक त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा अल्लू अरविंद और हारिका और हसीन क्रिएशंस के बयान तले निर्मित भी किया गया है इस फिल्म में ताबू जयराम सुशांत और निवेथा पेथुराज के साथ अल्लू अर्जुन और पूजा हेगडे मैम है वहीं समुथिर का ने मोरली शर्मा नवदीप सुनील सचिन खंडेकर हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिकाएं निभाते हुए नजर आएंगे ये फिल्म अब तक की गैर बाहुबली यानी एक और दो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म यानी केवल तेलुगु संस्करण में बनाई गई है इसने 2020 में 162 करोड़ की हिस्सेदारी के साथ दुनिया भर में लगभग 275 करोड़ की कमाई की वहीं भारत में इस फिल्म के लिए ने वाले टिकटों की अनुमानित संख्या लगभग साढ़े एक करोड़ है वहीं अपने करियर में पहली बार अल्लू अर्जुन ने अपनी और वहीं अपनी पिछली नायिका के साथ पूर्व भूमिका के लिए काम किया और पहले उन्होंने यव्दू में काजल को दोहराया जहाँ उन्होंने दो फिल्म रुद्रा और यहाँ तक कि रुद्रा मादेवी और सराय के लिए एक और कैथरीन ट्रेसा की भूमिका भी निभाई वहीं इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण दो साल बाद 2022 में जारी किया गया था जी हां दोस्तों इसी साल में इस फिल्म का डब संस्करण भी जारी किया गया था साथ ही साथ अल्लाह भाई कंथा पुरुमुलू के बारे में बताएं तो ये और भी त्रिविक्रम श्रीनिवास अरविंदा समिथा वीरा राघवन की रिलीज के बाद अल्लू अर्जुन के साथ एक नई फिल्म का निर्देशन कर रहे थे वहीं पटकथा सुनने के बाद ये बताया गया कि अल्लू अर्जुन ने त्रिविक्रम को कुछ बदलाव करने की सलाह भी दी 21 दिसंबर 2018 को नए साल की पूर्व संध्या के साथ परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई थी और इस प्रकार जुलाई और पुत्र सत्यमूर्ति के बाद त्रिविक्रम और अर्जुन के तीसरे सहयोग को चिह्नित किया गया था वहीं आगे ये भी बताया गया कि अर्जुन के पिता अल्ल अरविंद एस राधाकृष्ण की हरिका और हासेन क्रिएशंस के साथ अपने स्वयके बना गीत और वहीं गिटार्स के तहत फिल्म का सह निर्माण करेंगे वहीं फिल्म को अस्थायी शीर्षक हैश के तहत लॉन्च किया गया था जिसका शीर्षक अला वैकम था पुरुमुलू शीर्षक से पहले 15 अगस्त 2019 को सामने आया था वहीं अक्टूबर 2018 के मध्य में रिपोर्टें सामने आई कि कियारा आडवाणी अल्लू अर्जुन के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी जनवरी 2019 में सुनील को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना भी मिली फरवरी 2019 में पूजा हेगड़े को महिला प्रधान के रूप में आडवाणी की जगह लेने की सूचना मिली थी इस प्रकार डीजे के बाद दूसरी बार अर्जुन और त्रिविक्रम दोनों के साथ उनके सहयोग को चिन्हित किया गया था और यहाँ कि दुआदा जगन्नाथम और अरविंदा सीता और यहाँ तक कि अरविंदा समिता वीरा राघवन अनुभवी अभिनेत्री नगमा को फिल्म में अल्लू अर्जुन की माँ की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी हालांकि उन्हें इस भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया गया था अरविंदा समिथा राघवन की सफलता के बाद त्रिविक्रम ने थमन को दूसरी बार फिल्म के संगीतकार के रूप में नियुक्त किया था मार्च 2019 में यह बताया गया की पांडु बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित करते हुए तब्बू को एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था वहीं नाना पाटेकर को प्रतिपक्षी भूमिका निभाने की सूचना भी मिली थी आठ अप्रैल दो को आलू

घर वैकंठपुरु में प्रवेश करता है और जब उसे एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा धमकी दी जाती है शिशुओं की अदला बदली का विचार पहले देवान्तम राघवैया की एंटी गुट्टू में किया गया था जिसमें एंटी राव और सावित्री ने अभिनय किया था फिल्म का निर्माण अप्रैल दो में शुरू हुई और दिसंबर दो में पूरा हुआ वहीं इसे पूरे हैदराबाद में फिल्म आया गया था जिसमें गाने और वहीं गाने विदेशों में शूट किए गए थे मूल रूप से फिल्म में एस थमन द्वारा रचित था और रचित साउंड ट्रैक भी है जबकि छायांकन और संपादन क्रमश पी एस विनोद और नवीन नूली द्वारा नियंत्रित किया गया था वहीं 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था आलोचकों ने अल्लू आलो अर्जुन और मुरली शर्मा के प्रदर्शन कहानी त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत और फिल्म के स्कोर की प्रशंसा करते हुए सकारात्मक समीक्षाओं के साथ फिल्म को खोला था वहीं ये फिल्म व्यवसायिक रूप से सफल रही और दो करोड़ से लेकर 280 करोड़ से अधिक की कमाई के साथ ये सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक के रूप में समाप्त हुई और सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों के रूप में समाप्त हुई थी वहीं 2020 में ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई जिसने रिलीज होने पर तीन मिलियन डॉलर से अधिक का संग्रह किया था बॉक्स बॉक्स ऑफिस ऑफिस ट्रैकिंग ट्रैकिंग और यहां तक कि पोर्टल मोजो के अनुसार फिल्म ने 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की वहीं जिससे यह दुनिया भर में दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई थी और फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु सहित दस दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूवी पुरस्कार भी जीता था यहाँ तक कि मई 2019 में केतिका शर्मा को दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाने की सूचना भी मिली थी हालाँकि निवेदा पेथुराज को इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था रोमांटिक में दो और वहीं दो में शर्मा की प्रतिबद्धताओं के कारण फिल्म के कलाकारों में जयराम और सुशांत प्रभु भूमिका और प्रमुख भूमिकाओं में थे वहीं काजल अग्रवाल को एक आइटम नंबर में प्रदर्शित होने की सूचना मिली थी लेकिन हालांकि निर्माता द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी तमिल निर्देशक और अभिनेता समूर्थिकानी को एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था जिसने उनकी पहली तेलुगु फिल्म को चिन्हित किया था वहीं फिल्म का लॉन्च इवेंट वैलेंटाइन डे के अवसर पर आयोजित होने का अनुमान लगाया गया था तेरह अप्रैल दो को फिल्म का लॉन्च फिल्म के प्रोडक्शन हाउस गीता आर्ट्स के कार्यालय में आयोजित किया गया था जिसमें फिल्म की टीम ने एक पूजा समारोह में भी भाग लिया था वहीं फिल्म की मुख्य शूटिंग 24 अप्रैल को हुई थी अप्रैल के मध्य में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद टीम ने मौसम की स्थिति का हवाला देते हुए एक ब्रेक लिया और साथ ही अल्लू अर्जुन और उनका परिवार स्विट्जरलैंड में एक छोटी छुट्टी के लिए चले गए थे निर्माताओं ने 24 और चौबीस मई 2019 को फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की और पहला शेड्यूल पूरा होने के बाद निर्माताओं ने पाँच जून दो को हैदराबाद में दूसरा शेड्यूल शुरू किया था पूजा सेट में शामिल हुए थे वहीं 14 जून को एक कारपोरेट कर्मचारी के रूप में अल्लू अर्जुन की एक लीक पोस्ट और लीक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी इस कार्यक्रम के दौरान फिल्म ने और साथ साथ ही और सुशांत को महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जोड़ा था अक्टूबर के मध्य में टीम समाज गाने के गाने को फिल्माने के लिए फ्रांस चली गई थी गीत के कुछ हिस्सों को फ्रांस में नारमडी

निर्माता बुट्टा बुमा गाने की शूटिंग के लिए हैदराबाद चले गए थे जिसके लिए हैदराबाद के अन्नापूर्णा स्टूडियो में एक विशाल सेट बनाया गया था और फिल्म की शूटिंग 28 दिसंबर 2019 को पूरी की गई थी यहां तक कि फिल्म के शूटिंग में कई सारी देरियों का सामना करना पड़ा था एस थमन ने अल्लू अर्जुन के साथ अपने तीसरे सहयोग में रेस गुर्रम और सराय नूडु के बाद अरविंद समिता वीरा राघवन के बाद त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ दूसरा सहयोग में फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि स्कोर की रचना की थी इस एल्बम में छह ट्रैक हैं जिसमें जिसमें और और साथ सास्त्री और साथ 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 ही ही श्री वेलेना सीताराम शास्त्री कसारला श्याम कृष्ण चैतन्य राम जोगैया शास्त्री कल्याण चक्रवर्ती और विजय कुमार भल्ला द्वारा लिखे गए गीत है जिसमें चार ट्रैक एकल के रूप में जारी किए गए थे और रिलीज होने पर वायरल हो गए वही साउंड ट्रैक एल्बम 6 जनवरी दो को जारी किया गया था और गाने थमन और उनके संगीत दल द्वारा उसी दिन हैदराबाद में यूसुफ और साथ ही साथ यूसुफ गुड़ा पुलिस ग्राउंड में आयोजित एवीपीएल म्यूजिकल कॉन्सर्ट में प्रस्तुत किया गया था यहां तक कि ट्रैक ट्रैक एल्बम एल्बम और का मलयालम संस्करण 10 जनवरी 2020 को जारी किया गया था ये यूट्यूब पर एक बिलियन से अधिक बार देखे जाने वाले पहला भारतीय फीचर फिल्म साउंड ट्रैक बन गया और गीत बुट्टा बोमा जनवरी दो तक पांच मिलियन से अधिक बार देखे जाने के साथ यूट्यूब पर सबसे अधिक देखा जाने वाला तेलुगू फिल्म भी बन गया था यूट्यूब के शीर्ष दस भारतीय संगीत वीडियो में और मारुला दोनों समस्याएं भी हुई थी और फिल्म के लिए इसकी कहानी की आलोचना भी की गई थी दर्शकों द्वारा फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी दिया गया वहीं 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता के अवसर पर निर्माताओं ने फिल्म की पहली झलक का अनावरण किया था और इसके शीर्षक को के रूप में प्रकट किया फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर गणेश चतुर्थी एक सितम्बर दो की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था इसमें अल्लू अर्जुन को एक व्यापारी के रूप में धूल भरे स्टूल पर बैठे हुए दिखाया गया था और एक सुरक्षा गार्ड अपने सिगार को जलता और जलाता हुआ दिखाया गया था वहीं दशहरा के अवसर पर निर्माताओं ने 7 अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का अनावरण किया और जिसमें अर्जुन को एक एक्शन अवतार में दिखाया गया था वहीं निर्माताओं ने पूजा हेगड़े के जन्मदिन 13 अक्टूबर 2019 पर एक विशेष पोस्टर का खुलासा किया और फिल्म से सुशांत का पहला लुक किस और वहीं 21 अक्टूबर को जारी किया था। था जारी गया था तब का पहला लुक उनके जन्मदिन 4 नवंबर 2019 को और 19 के अवसर पर जारी किया गया था नवंबर को त्रिविक्रम के जन्मदिन पर निर्माताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म के मलयालम डब संस्करण और यहां तक कि का पहला लिख जारी किया गया था और दिसंबर दो को फिल्म के आधिकारिक टीजर का अनावरण किया गया था छह जनवरी दो को निर्माताओं ने हैदराबाद के यूसुफ गुड़ा पुलिस ग्राउंड में एक विशाल प्रचार कार्यक्रम की योजना बनाई जिसे वीपीएल म्यूजिकल कॉन्सर्ट के नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है और इस योजना के लिए 42 फीट ऊंचा और 162 फीट एक और वहीं 162 फीट का एक मंच तैयार किया गया था जहां निर्माताओं ने फिल्म के ऑडियो एल्बम और नाटकीय ट्रेलर का आराम और यहां तक कि अनावरण किया और इस कार्यक्रम को फिल्म प्रेमियों और दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी यहाँ तक की फिल्म के लिए और साथ ही साथ दर्शकों द्वारा पसंद की गई इसकी कई सारे भूमिकाओं को भी एक साथ जोड़ा गया था और फिल्म की इसकी कहानी की आलोचना भी की गई थी यहाँ तक कि फिल्म के लिए निर्माता राधा कृष्ण ने 10 जुलाई 2019 को सोशल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म की रिलीज़ की तारीख की घोषणा की क्योंकि फिल्म संक्रांति के अवसर और अवसर पर रिलीज़ थी और बारह अक्टूबर दो को निर्माता अभिनेताओं ने घोषणा की कि फिल्म 12 जनवरी 2020 को रिलीज होगी जो संक्रांति सप्ताह पर पड़ती है वहीं दिसंबर 2019 के मध्य में यह अफवाह भी थी कि फिल्म निर्धारित तिथि से पहले 10 जनवरी को रिलीज थी वहीं 4 जनवरी 2020 को सक्रिय तेलुगु और सक्रिय तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल ने रिलीज की तारीख के बारे में अफवाहों को खारिज कर दिया और बताया गया कि फिल्म निर्धारित तिथि पर रिलीज होगी और फिल्म का प्रीमियर आई में किया गया था जो दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा थिएटरों में से एक है और भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले इसे इस संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 जनवरी 2020 को जारी किया गया था यहाँ तक कि इसके मलयालम डब संस्करण के साथ रिलीज किया गया था जिसका शीर्षक अंगो भी रखा गया था जबकि तमिल डब संस्करण वैकंथापुरम को दो में रिलीज किया गया था हिंदी संस्करण का सीधा प्रसार 13 फरवरी 2022 को टेलीविजन पर किया गया था वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों में फिल्म के नाट्य अधिकार पचहत्तर करोड़ में बेचे गए थे जिसमें निजाम के अधिकार बीस करोड़ बारह करोड़ में दिए गए थे वहीं फिल्म के लिए साढ़े आठ करोड़ उत्तराखंड प्रदेश में और साढ़े छः करोड़ कृष्णा अधिकार पाँच करोड़ पूर्व और पश्चिम गोदावरी क्षेत्रों में क्रमशः साढ़े छह करोड़ और पाँच करोड़ के अधिकार थे वहीं फिल्म के लिए साढ़े दो करोड़ के नल्डोर अधिकार कर्नाटक के नाट्य अधिकार साढ़े सात करोड़ में बेचे गए थे शेष भारत के नाट्य अधिकार साढ़े एक करोड़ और विदेशी अधिकार साढ़े नौ करोड़ में बेचे गए थे फिल्म ने अपने विश्वव्यापी नाट्य अधिकारों में पैता और यहाँ तक कि नाट्य अधिकारों में पचासी और पचासी करोड़ खर्च किए गए थे जिसमें चार करोड़ और तेईस करोड़ के प्रसारण अधिकार भी थे वही 19 करोड़ करोड़ के लिए हिंदी डबिंग अधिकार और के यहाँ तक कि अन्य अधिकार भी शामिल थे और साढ़े दो करोड़ फिल्म की रिलीज से पहले कुल 133 करोड़ तक कई सारे विक्रेता को और साथ ही साथ दर्शकों के साथ अनुकूल अन्य कलाकारों की एक संक्षिप्त भूमिका को पेश किया गया था जो कि मूल रूप से दिखाए गए और फिल्म के लिए मूल कहानी पर इसे केंद्रीय विषयों के साथ भी जोड़ा गया था बात करें इस फिल्म को आप कहां पर देख सकते हो दोस्तों तो कुछ महीने पहले ही इस फिल्म को YouTube पर अपलोड किया गया था लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए दोस्तों उसी दिन कई सारे लोगों ने इस फिल्म को तो पूरा देख लिया लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिंक में भी जाकर देख सकते हो क्योंकि हमने इस फिल्म के और वहीं इस फिल्म को दिया हुआ है साथ ही साथ आप चाहे तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर भी सर्च करके फुल एच में देख सकते हो अब आगे बढ़े तो फिल्म के उपग्रह और डिजिटल अधिकार के बारे में बात करें तो फिल्म का डिजिटल प्रीमियर सन सताइस फरवरी दो हजार बीस को हुआ था इसके नाटकीय प्रदर्शन के उन् पचास दिनों के बाद उसी दिन निर्माताओं ने नेटफ्लिक्स के माध्यम से अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ फिल्म को रिलीज किया था मलयालम डब संस्करण के साथ अंग वैकंथा और यहाँ तक कि वैकंथा पुरथु को 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से रिलीज किया गया और फिल्म का विश्व टेलीविजन प्रीमियर 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से हुआ था वहीं वैकंथा पुरम शीर्षक वाले तमिल डब संस्करण का सन सं टीवी पर प्रीमियर किया गया था यहाँ तक कि फिल्म ने पहले दिन और पहले दिन दुनिया भर में पचासी करोड़ की कमाई की वहीं पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म ने घरेलू स्तर पर सौ करोड़ की कमाई की और 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर दो मिलियन की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म भी बनी यह अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम श्रीनिवास दोनों के लिए पहली दो करोड़ कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी थी बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने घरेलू पर 200 करोड़ की कमाई की और यह दक्षिण भारत की छठी फिल्म बन गई और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वाली पहली फिल्म बिना हिंदी संस्करण थी अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से एक करोड़ से अधिक की कमाई की और यह बाहुबली श्रृंखला के बाद ऐसा करने वाली तीसरी फिल्म भी है और अपने नाटकीय प्रदर्शन के अंत तक फिल्म ने दुनिया भर में दो करोड़ की कमाई करने में कामयाबी हासिल की जो सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई वहीं फिल्म ने वितरकों को अर्जित किया और एक करोड़ का हिस्सा बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग पोर्टल बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार फिल्म 2020 की तिरपन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी थी साथ ही साथ फिल्म को दर्शकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दिया गया था और फिल्म के इसकी कई सारे अन्य कल और दर्शकों द्वारा दिखाए गए इसकी कई सारे सफल भूमिकाओं को भी एक साथ जोड़ा गया था और यहाँ तक कि फिल्म को भी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के साथ दिखाया गया था मूल रूप से बात करें फिल्म के बारे में तो फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के एक तमिल रीमेक की पुष्टि होने की सूचना मिली वही शिव कार्तिकी ने फिल्म से अर्जुन की भूमिका को फिर से लिया इसके अलावा रीमेक अधिकार प्राप्त करने के अलावा लेकिन रीमेक की योजनाएं तमिल में और तमिल के पक्ष में छोड़ दी गई थी डब शीर्षक वैकंठपुरु उसी महीने कार्तिक आर्यन और कृति सनोन को सहजादा नाम की फिल्म के हिंदी रिमेक और रिमेक के लिए क्रमश अल्लू अर्जुन और, के निर्माता राधा द्वारा थी। का की पहली और पहली छमाई में शुरू होने की उम्मीद भी थी वहीं फिल्म को पवन कल्याण और यहाँ तक कि आंटी रामाव जूनियर के साथ मशहूर हस्तियों से प्रशंसा मिली अल्लू अर्जुन के प्रदर्शन की सराहना की और गीत भुट्टा बुम्मा को अलू अर्जुन के डांस प्रदर्शन के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जिसमें की की। गैडिस वार्नर के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुए नंबर से हुक स्टेप करने के लिए टिकटॉक का सराहा और वहीं टिकटॉक का सहारा भी लिया और ये गीत तेलुगु फिल्म उद्योग के सबसे वायरल गीतों में से एक था वहीं से YouTube पर 700 मिलियन प्लस से अधिक बार देखा गया